तो बच्चों एक बार सब लोग मुझे कमेंट करके बता दो क्या हम सब लोग लाइव हो चुके हैं, आप लोग मेरी ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ फटाफट, है ना। हाँ बिल्कुल, 5 मिनट की देरी हो रही लेकिन विश्वास मानिए कल से देरी नहीं हो रही है ना। बहुत सारी क्लास होती है मेरे भाई, साइंस टीवी क्लास लेनी होती है, बेसिक साइंस टीवी लेनी होती है, मतलब इस समय मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सब आपके लिए कर रहा हूं, विश्वास मानिए। एक शाम के 7 बजे वाली क्लास, दूसरी रात के 9 बजे वाली क्लास, यही वो क्लास होगी जो इस साल रेलवे की हर वैकेंसी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। फिलहाल अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो आप लोग को पता है कि मैं डेली शाम के 7 बजे आप लोगों के लिए बेसिक साइंस की क्लास लेके आता हूं, और आज हमारे पास बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्रॉइंग का कौन सा लेक्चर है बच्चों, आज हमारा लाइव टेस्ट नंबर 07 है, जिसमें मैं आप लोगों को डेली 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं। और मेरे भाई ये प्रैक्टिस सिर्फ बेसिक साइंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, मैं पहले बता दूं, मतलब बेसिक साइंस में एनवायरमेंट है एनवायरमेंट मिलेगा, कंप्यूटर है कंप्यूटर मिलेगा, आईटी लिटरेसी है आईटी लिटरेसी मिलेगा, हर एक चीज मिलेगी। तो फटाफट जल्दी से एक बार लाइव आ जाइए और कमेंट करके बताओ ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना। तो जितने भी बच्चे नए हैं मैं उनसे बस एक ही बात बोलूंगा, तुम मैथ रीजनिंग जीटे कहीं से भी पढ़ लो, बेसिक साइंस पढ़ने आपको ये 7 बजे वाली क्लास में आना ही होगा, और विश्वास बनिए एक बार इस क्लास को पूरा देखिए, जहां से भी पढ़ाई करते हो सब भूल चुके होंगे, ठीक है। तो चलो फिर मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, डायरेक्ट मैं पहला क्वेश्चन ही शुरू करूंगा, उससे पहले बस मैं आपको क्लास की टाइमिंग बता दूं, छोटी ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करता हूं इस साल 2024 में रेलवे जैसे एग्जामों में सिलेक्शन पाने के लिए मैथ की क्लास, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्रॉइंग की क्लास, रीजनिंग की क्लास और साइंस की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आप देखिए टाइमिंग नोट डाउन कर लेना है सबको, ठीक है। चलो तो बच्चों आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, ये रहा भाई आज का पहला क्वेश्चन, पढ़िए समझिए और जल्दी से मुझे उत्तर देते दिखाइए आज के पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या बात है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हरा विशाल यादव, अभी प्रीवियस ईयर पेपर की नहीं, मैं आपको 2 किताबें अभी मुश्किल से 1 महीने के अंतर्गत मैं आपको 2 किताबें लॉन्च करूंगा। हरा पहली जो बुक होगी वो CBT 1 के प्रीवियस ईयर पेपर, उसके अलावा एक्सपेक्टेड सेट 1 किताब ये लॉन्च होगी, ठीक है। अब CBT 1 में जो कुछ भी आया होगा सब पढ़ा दूंगा, ठीक है। और दूसरी जो किताब लॉन्च होगी वो लॉन्च होगी CBT 2 के प्रीवियस ईयर पेपर और प्लस एक्सपेक्टेड सेट, हरा। तो मेरे भाई इनकी संख्या बस काउंट करनी है, इनकी संख्या मुझे कितनी देनी है, हरा। तो बच्चों ये 2 किताब बहुत जल्दी मैं लॉन्च करने वाला हूं, आप परेशान मत होइए, और पाठशाला की ही किताब लॉन्च होगी। चलिए भाई पहला क्वेश्चन बताइए, सवाल लिखा है 10 mm व्यास से मीट्रिक चूड़ी को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, बहुत बेहतरीन सवाल, थोड़ा एक बार सेशन को शेयर भी कर दो फटाफट, है ना। बच्चों आपको पता है जब हम चूड़ी की बात करते हैं तो किसी भी चूड़ी को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है m 10 × 6, ये सही तरीका है, लेकिन यहां पर मैं बता दूं ये जो m है इस वर्ड का मतलब क्या होता है मेरे भाई, m का मतलब होता है मीट्रिक, ओके। सर 10 क्या है, तो कह देना 10 हमारा व्यास है डायमीटर, और बच्चों ये लास्ट में 6 क्या लिखा होता है, तो कह देना 6 जो है वो हमारे चूड़ी की क्या होती है, पिच होती है। अरे बोलो बात सब क्लियर है ना। तो इस सवाल का बताइए आंसर किसके साथ जाएगा, m 10 के साथ जाने वाला है, हालांकि आगे × 6 जरूर होता है, लेकिन 6 यहां पर जो है कोई मतलब नहीं है, टोटी इन्होंने 6 तो बात ही नहीं थी, क्या बात है। तो पहला क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया, आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट आइए अगला सवाल बताइए। देखिए बच्चों ये अगला सवाल देखो, एक प्यारा सा नन्ना सा निमिल्टल है, अटेम्प्ट करके बताएंगे, बताइए जल्दी से सवाल का आंसर क्या होना चाहिए। यस वेरी गुड बबीता, क्या बात है, अरा CST पिंटू सतेंद्र, थोड़ा कमेंट वेरी फास्ट कीजिए फटाफट, एक बार सेशन को शेयर भी कर दे। बच्चों लिखा है 1 डीजल इंजन 5 मीटर गहरे तालाब से 100 सेकेंड में 50 किलोग्राम पानी ऊपर खींचता है, तो बताइए इंजन की सामर्थ्य कितनी होगी, है आप पहले बताओ इंजन की सामर्थ्य निकालने का फॉर्मूला पता है। बच्चों ये जो पावर खींचने वाले सवाल होते हैं ना, खींचने वाले सवाल, उनमें ध्यान रखना सामर्थ्य यानी पावर P बराबर एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल होता है सर, वो फॉर्मूला होता है MgH/T। अरे बोलो याद है भी याद है, क्या बात है, यस रोशन रोशन, अरे एजुकेशन, क्या बात है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आने वाला है, सबने आंसर दे दिया है, मैं भी आंसर निकाल देता हूं, द्रव्यमान हमारा 50 किलोग्राम, GT वैल्यू 10 और H का मान 5 मीटर, और मेरे भाई समय हमारा 100 सेकेंड। अब कौन ऐसा बच्चा होगा रेलवे की तैयारी करने वाला जो आंसर नहीं दे सकता, आ गया। तो वेरी गुड, बिल्कुल एकदम आप सही है, ऊपर 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर हमारा 25 वॉट के साथ जाने वाला है, ऑप्शन नंबर हमारा B वाला उत्तर होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट आइए अगला सवाल बताइए, ये लीजिए थर्ड नंबर सवाल, बहुत बढ़िया ड्रॉइंग का क्वेश्चन है,
वेरी गुड सत्येंद्र सुभाष सीटवाल। मैं एक बार फिर बता दूं, जितने भी बच्चे एएलपी और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को 101% सिलेक्शन में बदलने के लिए इस क्लास को रेगुलर पढ़ें। क्यों? क्योंकि मेरिट आपको पता है बेसिक साइंस बनाएगा, बेसिक साइंस सीबीटी 2 के पार्ट ए में 50 नंबर का पूछा जाएगा और यही वो सब्जेक्ट होगा जो आपके एएलपी और टेक्नीशियन बनने के सपने को साकार कर सकता है। अरे बच्चों अगला सवाल देखिए क्या लिखा है, चित्र में दिखाए गए प्रक्षेप का प्लान और एलिवेशन क्या है। बच्चों फिर से मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने यहां पर एक डायग्राम दिखाया गया है, ये तुम्हारा एचपी होता है और बच्चों मेरे ये क्या होता है वीपी। अरे यहां पर एक डायग्राम दिखाया गया है, इसका बोला है प्लान क्या है एलिवेशन क्या है। आपको पता है प्लान क्या होता है? जो एचपी पे बनता है डेट मीन्स जो टॉप व्यू होता है वो प्लान और जो फ्रंट व्यू होता है वो एलिवेशन है। तो बच्चों आप इस डायग्राम को देखिए तो ये सिलेंडर जैसी आकृति है लेकिन रखा कैसा है, तो जब आप फ्रंट से देखें ना फ्रंट से देखने पर क्या हो रहा मेरे दोस्त? सर फ्रंट से देखने पर यहां एक सर्कल बनेगा, ऐसे बताइए। सर फ्रंट से जैसे ही देखेंगे ये सर्कल बनेगा, बोलो बोलो बोलो। और टॉप से देखेंगे तो क्या बनेगा? तो कहना ऊपर टॉप से देखेंगे तो इस तरीके से क्या बनने वाला है सर? इस तरह से एक आयत बनने वाला है, समझे? तो फ्रंट से देखने पर बताइए क्या बनेगा? सर फ्रंट से देखने पर सर्कल बनेगा और टॉप से देखने पर बताइए क्या बनेगा? आयत। बोलिए तो आंसर किसके साथ जाएगा? सर फ्रंट से देख टॉप, पहले इन्होंने बोलो प्लान पूछा है तो प्लान में आयत बताना है, ओके, और एलिवेशन एलिवेशन फिर वृत्त बताना है, ऑप्शन नंबर ए। आपको पता ही नहीं पता, जो एचपी पे बनता है बच्चों उसको हम बोलते हैं प्लान, और दोस्त मेरे जो वीपी पे बनता है मेरे भाई बताइए उसको किस नाम से जानते हैं? सर उसको बोला जाता है एलिवेशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़िए बच्चों। नहीं देखो, डिप्लोमा वाले, बीटेक वाले, आईटीआई वाले, इसके अलावा जो बीईटी है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ये सब एएलपी का फॉर्म भर सकते हैं। हरा लही बात टेक्नीशियन की, तो जिनका इंटर प्लस है या इंटर पीसीएम से और आईटीआई है वो टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल बताइए बच्चों, ये बहुत प्यारा सवाल है। इसमें होता क्या है कि जब ऐसा सवाल लोग देखते ना तो सोचते कि भैया नहीं मुझसे नहीं बनेगा, है छोड़ देते, और मेरे भाई यही वो प्रश्न है जो आपका सिलेक्शन करा देते हैं। बच्चों देखो लिखा है स्थिर त्वरण के साथ आराम से शुरू, आराम से शुरू होने का मतलब प्रारंभिक वेलोसिटी जीरो, हरा त्वरण स्थिर है, एक कण 2 सेकेंड में एक्स दूरी तय करता है। बच्चों 2 सेकेंड का मतलब हो गया 0 से 2 सेकेंड, समझो बात को, 0 से 2 सेकेंड में बताइए वो कितनी दूरी तय करता है? सर 0 से 2 सेकेंड में वो एक्स दूरी तय करता है। अगले 2 सेकेंड, सर अगले 2 सेकेंड का मतलब हो गया 2 से 4 सेकेंड, सर 2 से 4 सेकेंड में कितनी दूरी तय करता है? वाई दूरी तय करता है। ध्यान से सुनना, एक बार समझाऊंगा हमेशा आपके लिए जीवन में आसान हो जाएगा, है सर। पहले 2 सेकेंड में एक्स और अगले 2 सेकेंड में वाई, तो बताइए एक्स और वाई में क्या संबंध? ओके, बहुत सारे लोग समझेंगे अच्छा पहले 2 सेकेंड बाद में 2 सेकेंड, ज्यादातर लोग सोचेंगे इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। क्यों? टूटी इसके पास तो सर देखो त्वरण है, एक्सलेशन है, और एक्सलेशन में हमेशा स्पीड बढ़ती है, हमेशा स्पीड बढ़ती है। तो कैसे लगाया जाए बच्चों? हम लोग यहां पर गति का दूसरा समीकरण लगाएंगे, और आपको पता है कि गति के दूसरे समीकरण से एस समानुपाती टी स्क्वायर होता है। बोलो पता है ना? पता, प्रारंभिक वेलोसिटी जीरो, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो है समानुपाती टी स्क्वायर। अच्छा सर, अगर एस समानुपाती टी स्क्वायर है तो बताइए जल्दी से 0 से 2 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगा? तो बच्चों 0 से 2 सेकेंड में चली गई दूरी हो जाएगी सर 2 का स्क्वायर 4 मीटर। अब मेरी बात समझो, लेकिन आपको तो फिर से प्रारंभिक वेलोसिटी को 0 मानना है, इसलिए 0 से 4 सेकेंड के लिए कैलकुलेशन कर लीजिए। सर 0 से 4 सेकेंड में चली गई दूरी बताइए, तो कहना 0 से 4 सेकेंड में t² 4 का स्क्वायर 16। आप लोग जल्दी से पहले मुझे कमेंट करके बताओ ये बात यहां तक सबको क्लियर हुई नहीं क्लियर हुई? बोलो बच्चों यहां तक सबको क्लियर हो गई कि 0 से 2 सेकेंड में 4 मीटर और 0 से 4 सेकेंड में 16 मीटर है। अब आगे बात सुनो बच्चों, 0 से 2 सेकेंड एक्स बोला गया था, इसका मतलब एक्स हमारा 4 मीटर हो गया है। 0 से 4 सेकेंड में 16 और 0 से 2 सेकेंड में 4 मीटर, तो 2 से 4 सेकेंड में कितना? हमें तो यहां 2 से 4 सेकेंड निकालना है ना, समझी बात को? तो 2 से 4 सेकेंड निकालना है, तो 0 से 4 सेकेंड में 16,
जीरो से दो सेकेंड में चार, तो 16 में से चार घटा दीजिए तो देख लो दो से चार में आ जाएगा 12 मीटर, 16 मीटर माइनस 4 मीटर। ओके क्लियर हुआ? तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया, जो कैलकुलेशन कह रहा था उस कैलकुलेशन के अनुसार हमने यहां एक्स और वाई पता कर लिया, पता कर लिया। अब आप बताओ वाई 12 है, एक्स तुम्हारा 4 है, तो फटाफट बताइए वाई बराबर कितना हो जाएगा? सर वाई कहीं ना कहीं एक्स का 3 गुना है, यानी वाई बराबर बताइए कितना आंसर हो जाएगा? सर वाई बराबर आंसर हो जाएगा 3x। जल्दी बताइए सब लोग को क्लियर हो गया? हाँ बच्चा नहीं देखो, अगर आपका इंटर मैथ से है तभी आप कर सकते हो, बीएससी मैथ से होने से मतलब नहीं, इंटर मैथ से है कि नहीं आप लोग जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ ये बात सबको क्लियर हो रही नहीं क्लियर हुई, एक बार कमेंट करके बताओ, मैं एक सवाल फिर से पूछूंगा। मान लीजिए मैं कह देता कि जीरो से दो सेकेंड में चली गई दूरी, सर जीरो से दो सेकेंड में चली गई दूरी एक्स है, फिर मैं कह देता अगला 3 सेकेंड, अगला 3 सेकेंड मतलब 2 से 3, 2 से 5 सेकेंड में चली रही दूरी, सर 2 से 5 सेकेंड में चली रही दूरी वाई है। हरा मान लीजिए सवाल ऐसे आ जाता तब क्या लगाते, देखो 0 से 2 सेकेंड में एक्स, 2 से 5 सेकेंड में वाई, तो वाई और एक्स के बीच संबंध बताओ कैसे लगाओगे? ये भी ऐसा है, अगर 0 से 2 सेकेंड में एक्स है तो कंफर्म ये 2 का स्क्वायर होने वाला है 4 मीटर। ओके और ये 2 से 5 है तो हमें कुछ नहीं करना, वाई निकालने के लिए पहले 5 का स्क्वायर निकालना है 25, और बच्चों 25 में से 4 को घटा देना है तो वाई 21 ये लो, और ऐसा करने के बाद एक्स और वाई में ध्यान रखिएगा हमारा संबंध भी आ जाएगा। तो बहुत आसान सवाल होते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन होते हैं, किसी तरह का कोई टेंशन मत लीजिए। चलो पांचवा नंबर बताइए इस सवाल का सही आंसर क्या होना चाहिए, क्या बात है? वेरी गुड संदीप भारद्वाज, उमंग क्या बात है, संतोष हरा। सोल्यूशन पीडीएफ भी अपलोड होती है भाई, सोल्यूशन पीडीएफ भी अपलोड होती है, ठीक है वेरी गुड। थोड़ा एक बार सेशन को और शेयर करो भाई ताकि जल्दी से हम लोग 200 प्लस हो जाए, फटाफट जल्दी से एक बार सेशन शेयर करो। पांचवा नंबर सवाल देखिए क्या है, इन्होंने बोला है निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? बच्चों बोला जा रहा है इनमें से बताइए कौन सा कथन सत्य है, दो स्टेटमेंट लिखे ड्रॉइंग पेपर के बारे में। पहला देखिए क्या है, सबसे बड़ा ड्रॉइंग पेपर ए नॉट होता है, दूसरा लिखा है ए फोर का क्षेत्रफल 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। आप मुझे बताओ इनमें से कौन सा सत्य है? हरा तो बच्चों सबसे बड़ा ड्रॉइंग पेपर ए नॉट, और याद रखना ए नॉट का एरिया होता है 10000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके लेकिन इसका जस्ट आधा होता है ए वन, ए वन का एरिया होता है 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर हरा, और फिर इसका आधा यानी 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर ये होता है A2। अरे भाई क्या ऐसा सही है? मैंने कहा बिल्कुल। तो A4 का क्षेत्रफल 5000 कैसे हो सकता है आप मुझे बताओ, 5000 तो A1 का है, समझ रहे हैं ना बात को? तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये वाला उत्तर गलत हो जाएगा, सिर्फ ये वाला आंसर सही है और ये वाला आंसर सही है तो ओनली वन ऑप्शन नंबर ए। ठीक है चलो नेक्स्ट आइए, ये लीजिए छठवां नंबर सवाल, फटाफट जल्दी से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर छठवें का आंसर क्या है। बच्चे देखो आरआरबी जेई का भी बहुत जल्द फॉर्म आएगा, ये मान के चल लो आरआरबी जेई हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, और इसके अलावा जो एलपी टेक्नीशियन चल रहा है वो तो आने ही आ रहा है ना। बच्चों ये वाला सवाल देखिए क्या है, धातु की एक रॉड जिसका व्यास 20 मिलीमीटर है, लंबाई 300 मिलीमीटर है, तो बताइए इसका द्रव्यमान कितना होना चाहिए, और ये कुछ डेटा दिया है, समझे ना? तो आपको पता है द्रव्यमान बराबर क्या होता है? सर द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणे आयतन होता है। अब आप देखो द्रव्यमान को इन्होंने ग्राम में पूछा है हरा, और घनत्व तुम्हारा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, समझो बात को, तो आयतन को भी सेंटीमीटर क्यूब बनाना होगा। अब बच्चों व्यास है 20 मिलीमीटर, अगर व्यास 20 मिलीमीटर है तो रेडियस कितनी 10 मिलीमीटर हरा, लंबाई 300 मिलीमीटर है, लंबाई हो रही 300 मिलीमीटर, आप बात समझो। चलो अब आप ये बताओ किसी रॉड का क्षेत्रफल कैसे निकालते, तो कहना किसी रॉड का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो बच्चों आयतन निकालना है, तो आयतन निकालने के लिए हमें पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू लंबाई करनी होगी। बताइए किसी रॉड का आयतन ऐसे ही तो निकालोगे? चलिए अब जल्दी से वैल्यू टू पुट कीजिए, तो डेंसिटी कितनी है सर 8.4, पाई का मान कितना होता है 22/7 हरा, रेडियस 10 mm है मेरे दोस्त, 10 mm को सेंटीमीटर बना लेना
तो 10 mm मतलब 8 सेंटीमीटर 8 स्क्वायर, लंबाई 300 mm, 300 mm को सेंटीमीटर बना लो यानी 30 सेंटीमीटर। क्या बात है, आंसर आ गया क्या? तो बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आपकी झोली में। कैसे? तो बच्चों ये देखा हो, 7 से अगर 8.4 को कैंसिल करेंगे, 12 7 84 हरा, 12 6 72 12 7 84 तो 1.2। और बच्चों ये 1 है, 1 का कोई मतलब नहीं, 0 इधर भेज दो तो बच्चों आंसर आएगा 12 × 22 × 3, ये आंसर आएगा। सॉल्व कर लो, अब 12 × 22 × 3 कितना होगा मेरे भाई? ये 36 × 22 आएगा, और 36 × 22 को आप सॉल्व करके देख लीजिए, लास्ट में 2 आने वाला है, और लास्ट वाला 2 आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। एक बार सारे के सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे, ये बात सबको क्लियर हो गई है, ये कौन वाले चैप्टर का क्वेश्चन था? ध्यान रखना ये तुम्हारे मास वेट एंड डेंसिटी का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये लीजिए, 7वां नंबर सवाल, बहुत बढ़िया है। इसमें ना आपके दिमाग की परीक्षा हो रही कि आपको जो पढ़ाया जाता है वो आप अच्छे से पढ़ते हो नहीं पढ़ते। प्रश्न लिखा है प्रिंट पेपर में, 210 × 297 का पिछला आकार बताइए। अगला भी पूछा भाई साहब ने हमसे, पिछला पूछा है, हा देख लो, 210 × 297, मुझे नहीं पता ये कौन सा साइज है, इसका पिछला वाला पूछा, पिछला वाला अगला वाला नहीं पूछा। अगर अगला वाला पूछता मैं बता देता, 297 का आधा 148, और मेरे भाई 210 उसी तरह से। लेकिन हमसे पूछा कौन सा? पिछला वाला मतलब इसके ऊपर वाला। तो आप ऐसे समझो, जब अगला से निकाला तो 210 ऐसे आया, तो 210 ये देखो ऐसे बराबर है, तो यहां 101% 297 आने वाला है हरा, और 148 297 हो गया, तो 210 420 होगा, समझे ना। तो हमें अगला भी पूछा, हमें पिछला पूछा है, और देख लो जब मैंने अगला निकाला तो क्या आया है, उसी हिसाब से पिछला निकाला तो क्या आया, तो 297 × 420 आया, ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला उत्तर। क्लियर है ना, क्या बात है, समझ में आ गया ना। बहुत प्यारा सवाल था, गलती होने के चांस रहते हैं ऐसे सवाल में, ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट आइए, ये लीजिए, क्या बात है, 8वां नंबर सवाल देखो। एक ये ऐसा न्यूमेरिकल है जिसे लोग बहुत बड़े बड़े समय के लिए सॉल्व करते हैं, मेरे भाई ये न्यूमेरिकल बहुत आसान होता है, लेकिन फिर भी लोग इसकी कैलकुलेशन को बहुत लंबा कर देते। मैं आपको एक आसान कैलकुलेशन बताऊंगा इसकी। एक गुब्बारा 10 मीटर/सेकेंड के वेट से उड़ रहा है, मान लीजिए ये वो गुब्बारा है, और बच्चों ये गुब्बारा कितने वेट से ऊपर उड़ रहा है? सर ये गुब्बारा ऊपर उड़ रहा है 10 मीटर/सेकेंड के वेट से, ध्यान सुनिए। इसे पैकेट जारी किया जाता है जब यह जमीन से 75 मीटर की ऊंचाई पर होता है, मतलब जब यह जमीन से कितने मीटर की ऊंचाई पर है? सर अगर यह जमीन से 75 मीटर की ऊंचाई से, तो आपने इससे पैकेट छोड़ा, क्या छोड़ा? पैकेट। तो पैकेट छोड़ा है तो बोला जा रहा है पैकेट को जमीन तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो जब यह 75 मीटर की ऊंचाई से था तो आपने एक पैकेट छोड़ा, तो मेरे भाई पैकेट की भी स्पीड उतनी होगी जितनी की आपके गुब्बारे की थी। तो पैकेट पहले ऐसे स्पीड के साथ ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद फिर बताइए कहां आएगा? नीचे आएगा। तो बोला यह है कि जब यह नीचे आएगा जमीन तक तो बताइए कितना समय लगेगा, आंसर आ गया। अब देखो इस तरह के सवालों में लोगों को पता नहीं चलता कि हमें शुरुआत कहां से करनी, मैं बताता हूं हरा। पहले आप फील कीजिए, यह गुब्बारा उड़ा जा रहा है, तुमने ऐसे पैकेट छोड़ा, तो जो गुब्बारे की वेलोसिटी थी वही पैकेट की वेलोसिटी हो जाएगी, फिर वो ऊपर जाके ऐसे नीचे आएगा, तो बताइए कितना समय। समय का मतलब अगर यहां का समय तुम 0 मान लो मेरे दोस्त, तो बताइए यहां समय कितना, कैसे लगेगा? बच्चों इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको ये वेलोसिटी पता है 10 प्रारंभिक वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट पता है 75, समय पूछ रहा है, आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, गति का दूसरा समीकरण लगा दो, एक ही बार में आंसर आएगा, एक ही बार में। हाँ देखो, गति का दूसरा समीकरण होता है s = ut + ½gt², बस वैल्यू को थोड़ा सोच समझ के रखना। देखो यहां से इनिशियल बिंदु से जब फाइनल बिंदु आ रहा है ना, तो विस्थापन नीचे की ओर हो रहा है, और जब भी कभी विस्थापन नीचे की ओर हो तो -75 लेना होगा। प्रारंभिक वेलोसिटी 10 ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है इसलिए +10 × t हरा, और g का मान हमेशा नीचे होता है, और g का मान नीचे होता है इसलिए g की जगह पर
आपको माइनस जी लेना होगा और जी की वैल्यू 10 होती है। आप देखिए यहां पर ये सवाल को सॉल्व कर दिया। हां ये बस ध्यान देना, माइनस 75 नहीं लिया तो एक बार में आंसर नहीं आएगा। ओके चलो अब जल्दी से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये इससे कैंसिल 5 बार, और मेरे भाई ये इधर आएगा तो 5t² - 10t और -75=0। एक बार 5 से और कैंसिल कर दीजिए तो t² - 5 × 10 और -5 से कैंसिल करेंगे तो 15 × 75 = 0। क्या बात है, अब तो कितना आसान हो गया यार। क्या इसको सॉल्व करते आप t की वैल्यू नहीं निकाल सकते? मेरे भाई इससे t के 2 मान आएंगे, हरा क्योंकि 15 को 5 और 3, हाँ बिल्कुल, तो एक मान आएगा +5 सेकेंड, दूसरा मान आएगा -3 सेकेंड। ये देखो ये तो सॉल्व कर सकते हो, तो इसका मतलब कौन वाला आंसर सही होगा? सर इसका सही आंसर जो होगा वो हमारा +5 सेकेंड वाला आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला उत्तर है। हरा तो बच्चों ध्यान रखना, ऐसे सवाल ना कई बार हमें धोखा दे जाते हैं, धोखा बिल्कुल नहीं खाना है मेरे भाई। ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा कोई भी क्वेश्चन जो है आपको परेशान नहीं कर पाएगा। चलो आगे आइए, नेक्स्ट आइए, ये लीजिए 9वां नंबर। बच्चों ये 9वां नंबर सवाल क्या है, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन जो है एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन नहीं मेरे भाई। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कौन बदलता है? मान लीजिए किसी को हम प्रकाश ऊर्जा दे दे और उससे बोले कि तुम इसको एक काम करो मार साहब, आप इसे कौन सी ऊर्जा बना दो? सर आप इसे बना दो रासायनिक ऊर्जा। तो प्रकाश ऊर्जा तो बताइए हमें कौन सी ऊर्जा बनाना है, रासायनिक ऊर्जा बनाना है, तो बताइए इनमें से कौन करेगा। ठीक है तो बच्चों इस बात को हमेशा याद रखना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा बनाने का काम सर हरे पेड़ पौधों का होता है। हरा बच्चों जितने भी हरे पेड़ होते हैं अगर आप उन्हें प्रकाश दे दो तो बदले में वो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण करेंगे और रासायनिक ऊर्जा बना लेंगे। क्लियर है ना? तो बताइए इसमें से हरे पेड़ पौधों का आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला आंसर होगा, हरे पेड़ पौधे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है क्या बात है हरा सर, वहां पर बाद में +75 हो जाएगा, कोई बात नहीं बच्चा +75 हो जाएगा, ये इधर आएगा। नहीं भाई सही है भाई, एकदम सही है, +75 नहीं -75 ही होगा, आप चेक कर लो। ठीक है चलो नेक्स्ट आइए 10वां नंबर। देखो बच्चों 10वां नंबर जो सवाल है ये बर्फ और पानी को मिलाने वाला क्वेश्चन है। मैंने पहले भी कहा है कि हीट एंड टेम्परेचर जैसे सवालों में ध्यान रखना न्यूमेरिकल आने के चांस ज्यादा रहते हैं। अब इस तरह के सवाल मैंने कई बार बताया है, इसलिए बता रहा हूं ताकि आप रिवीजन करते रहो। 0° सेंटीग्रेड पे 5 ग्राम बर्फ, देख लो सर एक बर्फ है, अरा दूसरा क्या है? सर दूसरा है पानी। बच्चों फिर से मैं बता दूं, ये जो बर्फ है ये 0° सेंटीग्रेड की बताइए कितने ग्राम बर्फ है? सर 5 ग्राम बर्फ है। और ये क्या है? सर ये 45° सेंटीग्रेड पे 20 ग्राम पानी, देख लो। तो बच्चों मेरे एक हमारा पानी है और दूसरा क्या है? सर दूसरा बर्फ है, यानी ये बर्फ और पानी को मिलाने वाला सवाल है भैया। तो मान लीजिए किसी बच्चे ने कहा सर मुझे नहीं बर्फ और पानी को मिला देना है, तो बर्फ और पानी को मिला दिया तो बताइए मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होगा? हरा पिछला 75 होगा, मैं एक बार देख लेता हूं। ओके जब आपने यहां -75 लिया, ये इधर किया, ये इधर किया, -5t² - 10t -75, अरे सही तो है यार, -3 + 3, अरे बच्चा सही है यार, कहां कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हो दोस्त तुम लोग है। चलो तो आप मुझे बताओ पहले यहां पर गुप्त ऊष्मा कितनी होती है बर्फ की? सर बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है 80 कैलोरी पर ग्राम होती है ना, तो पहले यह बताओ कि 5 ग्राम बर्फ को पिघलने के लिए कितना ऊष्मा चाहिए? तो अरे 80 कैलोरी पर ग्राम होती है, 1 ग्राम के लिए 80, तो 5 ग्राम के लिए 8×5=40 यानी 400 कैलोरी, देख लो मतलब पूरी बर्फ को पिघलने के लिए कितना चाहिए? सर 400 कैलोरी चाहिए, क्लियर है ना। लेकिन पानी ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकता है? सर पानी ज्यादा से ज्यादा दे सकता है mC/ΔT है। बच्चों पानी का द्रव्यमान है 20 ग्राम, विशिष्ट ऊष्मा पानी की 1 है ना, और डेल्टा टी, जब डेल्टा टी रखोगे तो बच्चों 45 में से हमें क्या घटाना होगा? 0 घटाना होगा, तो 45 - 0 = 45। तो बताइए पानी ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकता है? सर पानी ज्यादा से ज्यादा दे सकता है 900 कैलोरी। ये नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है ना बच्चों, एक बात मुझे बताओ पहले, सर बर्फ को पिघलने के लिए चाहिए 400 और पानी दे कितना रहा है 900, हाँ देख लो
तो ज्यादा दे रहा है ना, ज्यादा दे रहा है ना, और कितना ज्यादा दे रहा है सर? ज्यादा दे रहा है 500, तो 900 में से 400 में तो बर्फ पिघल जाएगी, लेकिन बचा हुआ 500 वो टेम्परेचर बढ़ा दे रहा, तो बचा हुआ 500 टेम्परेचर बढ़ा दे रहा, इसीलिए दोबारा फिर से आपको एमसी डेल्टा टी लगाना पड़ेगा टेम्परेचर बढ़ने के लिए। फिर से सुनिए, 900 में से 400 पिघला दे रहा, तो बचा हुआ 500, तो बच्चों यहां पर आप बचा हुआ ऊष्मा 500 रखेंगे, द्रव्यमान 5 और 25 दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि अब बर्फ पानी बन चुका है, तो 5 और 25 को जोड़ दीजिए, यानी कितना टोटल द्रव्यमान 25, 5 और 20 को जोड़ दीजिए, पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1 × ∆T, तो फाइनली देख लीजिए डेल्टा टी बराबर हो जाएगा 500/25, यानी 500/25 बताइए कितना हो जाएगा सर? यहां पर फाइनल टेम्परेचर आ गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, बोलो। आंसर नंबर किसके साथ जाएगा? आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला उत्तर, है ना? तो पिछला वाला सवाल जब मैं कल वाला सवाल लेके आया था तब वहां मिनिमम टेम्परेचर 0 था, लेकिन यहां नहीं। ओके, तो आप लोग एक बार सब लोग जल्दी से मेरे भाई कमेंट करके बताना बात सबको क्लियर हुई नहीं क्लियर हुई, अब दोबारा कभी इस तरह का सवाल गलत नहीं होना चाहिए, क्या बात है। थोड़ा एक बार सेशन को जोरदार तरीके से फटाफट सेल कर दो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11वां, है ना बच्चों? इसी के जैसा कल मैं सवाल लेके आया था, मुझे ये देखना है कि आप लोग डेली क्लास को कैसा पढ़ते हो। प्रश्न लिखा हुआ है दिए गए प्रक्षेप का प्रक्षेपण कोण बताइए, इस बार फिर से देख लीजिए प्रक्षेपण कोण बताना है कितना प्रक्षेपण कोण होगा, है ना? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत भाई मजा आ गया। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार इस तरह के सवाल को पढ़ा? ओके बच्चों, यहां पर देखिए फिर से एक रेफरेंस लाइन एक्स वाई दी गई है, यहां पर दिया गया है इसका टॉप व्यू और मेरे भाई यहां दिया गया है फ्रंट व्यू। आपको बताना है कि ये कौन सा प्रोजेक्शन है। अरे आंसर देखो, चलो तो पहले बताओ टॉप व्यू क्या होता है सर? टॉप व्यू बनता है तुम्हारा एचपी पर, और फ्रंट व्यू बताइए कहां बनता है सर? फ्रंट व्यू बनता है तुम्हारा वीपी पर, यानी एचपी ऊपर होना चाहिए वीपी नीचे। तो याद करो एचपी ऊपर वीपी नीचे कब होता है, याद है ना? एचपी ऊपर और वीपी नीचे, मेरे भाई ये कंडीशन होती है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। कहां पर होती है? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में होती है, जब तुम्हारा एचपी ऊपर वीपी नीचे। तो आंसर बताइए ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला उत्तर। मेरे भाई इस तरह के क्वेश्चन किसी के गलत नहीं होने चाहिए आज के बाद। ये कमेंट हटा दो यार, मैं देख नहीं पा रहा हूं। चलो ठीक है, चलो बताइए जल्दी से अगला सवाल, फटाफट कमेंट करके बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर किसके साथ जाएगा, है ना? बच्चों ये वाला सवाल देखिए 12वां नंबर, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। 12वें नंबर सवाल में बोला है यदि समान परिमाण के दो बल ए और बी निम्नलिखित तरीके से लगाए जाते हैं, है ना, तो बताइए परिणामी वेक्टर का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड अधिकतम कब होगा। मतलब कहने का यह है कि दो बल है और मेरे भाई दो बल इस तरह से लगाए गए, परपेंडिकुलर लगाया गया पहले वाले डायग्राम में, ध्यान सुनो, दूसरे वाले डायग्राम में कैसा लगाया गया 60 डिग्री के एंगल पर, और तीसरे वाले डायग्राम में 150 डिग्री के एंगल पर। तो बोला है कि इनमें से वो डायग्राम बताइए जिस पर रिजल्टेंट कैसा हो मैक्सिमम, है ना, जिस पर रिजल्टेंट कैसा हो मैक्सिमम। अब सुनिए जो मैं बता रहा हूं बच्चों, अगर दो बल पी और क्यू है तो इनका रिजल्टेंट हमेशा ध्यान रखना पी प्लस क्यू से कम या बराबर हो सकता है, और पी माइनस क्यू से बड़ा या फिर बराबर हो सकता है। मतलब मैक्सिमम मान इतना हो सकता है पी प्लस क्यू, और मिनिमम मान ध्यान रखना पी माइनस क्यू हो सकता है ना बच्चों। मैक्सिमम मान 0 डिग्री पर एंगल होता है जब दोनों एक ही दिशा में होते हैं, और मिनिमम मान ध्यान रखना जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तब मिनिमम मान होता है। ये डेटा याद कर लो। ओके अब सुनिए ध्यान से, जब दो वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं तो रिजल्टेंट मैक्सिमम, अपोजिट दिशा में रिजल्टेंट मिनिमम। अब देखो दोनों के बीच का एंगल सबसे कम किस में है, तो सबसे कम मेरे भाई 60 वाले में है, है? तो 60 वाले में है तो 101% रिजल्टेंट सबसे ज्यादा 60 वाले में होगा, उससे कम पहले वाले 90 वाले में होगा, और सबसे कम 150 वाले में होगा। मेरे भाई ये इसका सही आंसर जाना चाहिए, रिजल्टेंट का मैक्सिमम मिनिमम मान क्या होना चाहिए, ये आंसर सही होना चाहिए। ओके तो इन्होंने कौन सा मान पूछा है? मैक्सिमम, वेरी गुड। आंसर नंबर बताइए किसके साथ जाएगा? बी वाला उत्तर होगा, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट आइए, ओहो कल देखो मैंने इस तरह के सवाल लेके आया था,
मैं चाहता हूं कि आप हर तरह के सवालों को कैदे में पढ़ लीजिए और आज मैं दोबारा से इस तरह का सवाल लेके आओ ताकि आप सवाल को समझो। अरे मैं आपको समय दूंगा और देखूंगा कितने लोग इस सवाल को सही नहीं डालते। चित्र में उठाया गया भार 1200 न्यूटन है। ये देखिए यहां पर 1200 न्यूटन का भार हमें उठाना है। ओके, ये 1200 न्यूटन के भार को उठाना है। तो बोला है लगाया गया प्रयास कितना होना चाहिए, यानी ये जो लगाया गया प्रयास, इस प्रयास पी का मान बताना है कितने बल से खींचे ताकि ये भार उठ जाए। ठीक है, चलो अब जल्दी से मैं कमेंट का वेट करूंगा, देखूंगा कितने लोग इसका सही आंसर देते। रोशन ने सबसे पहला आंसर दिया है 2000। देखते भाई 2000 आंसर सही निकला दे है, क्या बात है। 2000 2000 2000, ओके क्या बात है मेरे भाई। मैं आपको बता दूं किसी भी क्लास में इतनी हिम्मत नहीं है कि इस सवाल को इतना तेज लगा सके जितना इस क्लास के स्टूडेंटों लगाया। और सलाम है भाई आपके ज्ञान को, इतना तेज और इतना बेहतरीन सवाल किसी और की हिम्मत में नहीं है। चलिए सुनिए, अगर यहां पर प्रयास पी लगाया है तो यहां पर आने वाला तनाव भी पी है, यहां पर आने वाला तनाव भी पी, यहां पर आने वाला तनाव भी पी और यहां पर आने वाला तनाव भी पी। मेरे भाई यहां पर आने वाला तनाव भी पी और यहां पर आने वाला तनाव भी पी। जब तक रस्सी सेम होती है तनाव सेम होता है, टेंशन सेम होता है। हरा ये सब मशीन मशीन है, पुली उली के क्वेश्चन है, सिंपल मशीन आपके में है। जैसे देख लो, ऐसा नहीं कि कहीं से भी क्वेश्चन उठा ला रहा है, सिंपल मशीन का है। तो अगर ये पी और पी है तो बताओ ऊपर कितना हो जाएगा, यहां से सर ऊपर हो जाएगा 2p। पी और पी है तो ऊपर कितना हो जाएगा 2p है, पी और पी है तो ऊपर कितना हो जाएगा 2p। आप मेरी बात समझो, तो आप जल्दी से मुझे बताओ यहां का 2p, यहां का 2p, यहां का 2p कितना हो गया 6p। और भैया इसी 6p को कितना उठाना है, सर इसी 6p को उठाना है 12000 न्यूटन का बल। अरे बोलो जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया। तो मेरे भाई बताओ यहां से प्रयास पी कितना होगा, सर प्रयास पी बराबर हो जाएगा 2000 न्यूटन। समझे ना बात को, मतलब यहां से 2000 न्यूटन का बल लगाकर आप 12000 न्यूटन का भार उठा सकते हो। कितना प्यारा, मतलब आप एक बार ईमानदारी के साथ बताओ जिन भी बच्चों का ये सवाल का आंसर सही हुआ, मुझे लगा सबका आंसर सही हुआ है, तुम्हें अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि वाह भाई सर मजा आ गई। अब यह वाला सवाल लगा के दिखाइए, ये मोशन का सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से सुनिए सवाल क्या कह रहा है। अरे और ऐसे स्टेटमेंट वाले सवाल कई बार गलत हो जाते। एक भारी और एक हल्के पिंड पर एक समान बल एक ही समय के लिए लगाया जाता है, है? मान लीजिए थोड़ी देख लिए कि एक जो है 2 किलोग्राम का द्रव्यमान है और दूसरा 10 किलोग्राम का द्रव्यमान है। बच्चों दोनों पर हमने एफ सेम लगाया, सेम टाइम के लिए लगाया, तो बताइए इनमें से क्या है, इनमें से क्या सही है, फटाफट जल्दी से आंसर दीजिए। ओके, पहला आंसर है एक समान वेग से गति करेंगे, एक समान संवेग से, एक समान त्वरण से, उपरोक्त जैसा कुछ नहीं। देखो पहली बात तो यह है कि त्वरण का मतलब होता है F बराबर M into A, F बटे A बराबर F बटे M। तो बल तो हमारा सेम है दोनों में, लेकिन एक हल्का है तो दूसरा भारी, द्रव्यमान अलग है। अगर द्रव्यमान अलग है बच्चों तो एक्सलेशन अलग हो रहा, तो एक समान त्वरण गलत, एक समान त्वरण नहीं हो रहा सर है, एक समान वेग। अरे भैया जब त्वरण एक समान नहीं है, त्वरण अलग अलग है, तो भैया त्वरण अलग अलग है तो वेलोसिटी अलग अलग क्यों, क्योंकि v बराबर होता है u प्लस at, at आता है ना at, एक्सलेशन अलग अलग सर। एक समान संवेग, यस ये सही है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, संवेग के फॉर्मूले में तो m इंटू वी होता है, आपके मन में आएगा। कहोगे m भी बदल रहा है सर, वेलोसिटी भी बदल रही है, तो संवेग कैसे कॉन्स्टेंट, मैं बताता हूं मेरे भाई। आपको पता है कि बल एफ बराबर होता है संवेग परिवर्तन की दर, एक फॉर्मूला यह भी तो होता है। तो आप बताओ संवेग डेल्टा पी बराबर एफ इंटू डेल्टा टी, बोलो दोस्त होगा। तो कहना बल हमारा कांस्टेंट, डेल्टा टी हमारा कांस्टेंट, समय कांस्टेंट, देख लो तो संवेग भी हमारा कांस्टेंट होगा। क्लियर है ना? तो बच्चों इस सवाल में जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा होगा, बी होता। समझ में आ रहा, क्या बेहतरीन सवाल था। ठीक है ये लीजिए 15वां नंबर सवाल, फटाफट पढ़िए जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 15 बेटा। हरा आंसू जितने भी बच्चे कोर्स की इंक्वायरी कर रहे हैं, मैं फिर से बता दूं, मैं ऊपर इसलिए नंबर ये लिख के लाता हूं। हरा ये जो सामने ऊपर नंबर लिखा है या फिर मैं जो नंबर लिख रहा हूं 9696802411, आप इस नंबर पर फोन करके जो भी इंक्वायरी चाहिए बैच से रिलेटेड वो कर सकते हैं। ठीक है चलो बच्चों, लिखा है
कि पांच थे वेट अनुपात, देख लीजिए सबसे पहले वेट अनुपात दे दिए, वेलोसिटी रेशियो पांच, 8000 किलोग्राम का लोड, 8000 किलोग्राम का लोड उठाना है, डब्ल्यू का मान 8000 किलोग्राम हो गया। मशीन की दक्षता बताइए, दक्षता आपको बताना मेरे भाई, और आरोपित प्रयास, प्रयास मतलब पी, सर पी की वैल्यू दे दी 300 kg। अब तो बता दो यार, बड़ी जल्दी से, क्या बात है। तो बच्चों ये ना सिंपल मशीन का टॉपिक है, और सिंपल मशीन से क्वेश्चन बनते हैं, हर हाल में बनते। तो पहले तो आप W और P का इस्तेमाल करके आप मेरे भाई मैकेनिकल एडवांटेज बता दो, सर मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा W बटे P, होता है ना। चलिए W कितना, सर W 1000 और P कितना 300, तो 8000 बटे 300, सर 10/3, 10/3 मैकेनिकल एडवांटेज हो गया, वेलोसिटी रेशियो आपको दिया गया। चलो दक्षता का फॉर्मूला बताइए, तो मेरे भाई दक्षता ईटा बराबर फॉर्मूला होता है ऊपर मैकेनिकल एडवांटेज, नीचे वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज 10/3, वेलोसिटी रेशियो 5, तो जो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है वो 2/3 हो जाएगा। सर इफिशियंसी तुम्हारी 2/3 आ रही, आ रही ना। अब आप बताओ घड़ी में कई बार पढ़ते हो, सर 2/3 का मतलब क्या होता है, सर 2/3 का मतलब होता है 66%। 100 को मल्टीप्लाई कर दो, और जैसे ही आप 100 को मल्टीप्लाई करोगे मेरे दोस्त 66.6% हो जाएगा इस सवाल का सही उत्तर। नेक्स्ट लीजिए, ये लीजिए ये सवाल किसका है, तो कहना ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन है। बच्चों 16 नंबर सवाल को थोड़ा ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है ना। क्वेश्चन ये है 16 नंबर, दीर्घवृत्त के लिए उत्केंद्रता ई का मान बताओ। इलिप्स सबकी इफिशियंसी आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। मैं आपको बताता हूं, एक टर्म आता है जिस टर्म को बोलते हैं उत्केंद्रता। जितने भी ड्राइंग वाले स्टूडेंट हैं वो ध्यान से सुने, इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन है, है ना। मैं सबकी उत्केंद्रता बताता हूं, ध्यान से सुन लो बच्चों। अगर मैं आपसे बोलू दीर्घवृत्त, है ना, इसके बाद मैं आपको बोलू परवलय, सर इसकी उत्केंद्रता बताइए, फिर मैं आपको बोलू इसके अलावा परवलय के साथ साथ हो गया वृत्त, इसकी उत्केंद्रता बताइए, ठीक है। और इसके बाद एक और मान आता है जिसको बोलते हैं हम लोग अति परवलय, हाइपरबोला, इसकी उत्केंद्रता बताइए। और मेरे भाई एक और आता है स्ट्रेट लाइन। इन सब की आपको इसेंट्रिसिटी पता होना चाहिए, क्या होती है, चलो बताई जाए, जल्दी बताइए, सबकी बताई जाए। हरा तो हमेशा याद रखना, परवलय की होती है ई बराबर 1, इलिप्स की होती है ई लेस देन 1, वृत्त की होती है ई बराबर 0, अति परवलय की होती है ई 1 से ज्यादा, और स्ट्रेट लाइन की ध्यान रखना ई बराबर होता है इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये सारे के सारे डेटा याद कर लो, इन्होंने इलिप्स की पूछी है, तो ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जा रहा, ए वाला आंसर इस सवाल का सही आंसर हो रहा है, इलिप्स के लिए। नेक्स्ट आइए अगला बताइए 17 नंबर। बच्चों 17 नंबर में देखो क्या बोला जा रहा है, कि 8 आपको बाइनरी संख्या दी गई है, और आपको बताइए कौन सी संख्या बतानी है, दशमलव संख्या बनानी है। चलो बच्चों बनाइए, थोड़ा एक बार सेशन को शेयर भी कर दो फटाफट, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक भी कर दो। हम लोग 70 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, है ना, पूरे के पूरे बच्चों 40 क्वेश्चन होंगे, और जल्दी से एक बार सेशन को शेयर भी कर दे, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से एक बार लाइक भी कर दे। बच्चों बोला जा रहा है कि दशमलव, पहले बाइनरी संख्या देखिए क्या है, बाइनरी संख्या ऐसे लिखी है, और बोला जा रहा है दशमिक, दशमिक का मतलब होता है डेसिमल, दशमलव नंबर, है ना। चलो बताइए कैसे बनाते हैं, तो अगर आपके पास एक बाइनरी संख्या लिखी है और आपको डेसिमल बनाना है तो कुछ नहीं करना, सर यहां पर 2^0, 2^8, 2 ऐसे, और 2^0 होता है 1, 2^8 2, 2^2 4, 2^3 8, और 2^4 16, आपको मेरे दोस्त इनका मल्टीप्लाई करके बस उठाकर जोड़ना है, बस यही उत्तर है, यही उत्तर है। क्या करा जा रहा, तो 16 यहां पर आ जा रहा है, यहां 8 आ जा रहा है, यहां 4 आ जा रहा है, मल्टीप्लाई करने पर यहां 2 और यहां 0। आप जल्दी से देख लीजिए 16 4 20, और 20 के बाद बताइए कितना हो जाएगा, सर 20 के बाद हो जाएगा 30। ये देखिए, तो सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला आंसर हो जाएगा। आप इसको जोड़ के देख लीजिए तो दशमलव में जो संख्या आने वाली है वो 30 आने वाली है। चलो अरे ये लो 18वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से, और बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा, है ना। मेरे भाई इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाती है,
और टेलीग्राम चैनल का नाम जरूर सब लोग ज्वाइन डाउनलोड कर ले, माई पाठशाला, ठीक है, माई पाठशाला पीडीएफ। इसमें एक तो मिल जाएगी आपको ये क्लास की पीडीएफ, और एक और टेलीग्राम चैनल का नाम है जिसका नाम है पाठशाला रेलवे एग्जाम, ठीक है। तो ये दो हमारे कह सकते हो टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आपको इस क्लास की पीडीएफ मिलती है, ठीक है। और क्लास की जो पीडीएफ होती है वो इस तरह से डबल कॉलम में भी दी जाती है, जिससे कि आप बढ़िया से जो है अपने पीडीएफ को, और मैं एक चीज और समझा दूं आप लोगों को, आप लोग के मन में एक सवाल आ रहा होगा, मैं उसके बारे में भी बता दूं आपको। हमेशा इस बात को याद रखना, अगर आपको बेसिक साइंस पूरा यूट्यूब से समझना है तो यूट्यूब से समझने के लिए मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जिसको आप कह सकते हो बहुत इजीली जो है यूट्यूब से समझ सकते हो। अरा जैसे कि ये हमारा वीडियो अभी चल रहा है, आप लोग देख रहे हो, ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूं यहां पर एक बढ़िया सी प्लेलिस्ट है, दिखा देता हूं। अगर आप लोग यूट्यूब से पूरी पढ़ाई करना चाह रहे हैं, ओके, ये देखिए, आपको मैं बता दूं, आप अगर प्ले स्टोर पर जाइए, यूट्यूब पे जाएंगे तो यूट्यूब पर यहां पर आप देखिए बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्रॉइंग की प्लेलिस्ट है। ये बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्रॉइंग की जो प्लेलिस्ट है ना, मैं इसमें क्लिक भी कर देता हूं ताकि आप प्लेलिस्ट को प्रॉपर देख सको। ये देखिए, ओके, तो बच्चों यहां पर आप देखिए ये जो हमारी प्लेलिस्ट है ये 111 वीडियो की प्लेलिस्ट है। हरा तो मेरे भाई ये 111 वीडियो की प्लेलिस्ट है, अगर आप इस प्लेलिस्ट को पूरा फॉलो करते हैं, इस प्लेलिस्ट को पूरा फॉलो करते हैं तो इस प्लेलिस्ट के बाद बेसिक साइंस कुछ भी नहीं पढ़ना। तो 111 वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट है, अगर आप देख लीजिए बेसिक साइंस में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है। चलो फिर इसको आप फॉलो कर सकते हैं, आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले सवाल देखो क्या बोला जा रहा है बच्चों, अगला सवाल ये है, वीपी के लंबवत रेखा के सामने का दृश्य बताइए। अरे जैसे कि मान लीजिए हमने आपसे कहा तो ये तुम्हारा वीपी हो गया, ये तुम्हारा एचपी हो गया, ओके। अब आ जाइए वीपी के लंबवत रेखा, तो एक रेखा वीपी के लंबवत ऐसे खींच दी, वीपी के लंबवत, और इन्होंने कौन सा दृश्य पूछा है? सर फ्रंट व्यू पूछा है मेरे दोस्त, तो फ्रंट व्यू तो यहां से देखा जाएगा ना, है, तो फ्रंट व्यू यहां से देखा जाएगा। तो आप कह सकते हो कि वीपी के लंबवत अगर किसी रेखा का फ्रंट व्यू पूछा जाए तो यह फ्रंट व्यू हमारा एक पॉइंट बनेगा। सर ये फ्रंट व्यू क्या बनेगा? सर ये फ्रंट व्यू बनेगा एक पॉइंट, देख लो, क्लियर है। और अगर इसका टॉप व्यू पूछता, टॉप व्यू, तो टॉप व्यू एक क्या बनता? सर टॉप व्यू एक बनता बच्चों लाइन। तो फ्रंट व्यू क्या बनेगा, टॉप व्यू क्या बनेगा, इस बात को देख लीजिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है? सर इन्होंने बोला है सिर्फ फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू बनेगा दोस्त मेरे एक बिंदु, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए, ये लो 19 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर क्या होगा, बताइए। और बेसिक साइंस की जो बुक आ चुकी है वो भी जो है आप ऑर्डर कर सकते हैं बच्चों, लिखा हुआ है 19 नंबर में साइबर सुरक्षा का प्राथमिक उद्देश्य बताइए, हैं, साइबर सुरक्षा, ये सवाल है आईटी लिटरेसी से। मैं आपको बता दूं साइबर क्राइम धीरे धीरे तेजी से बढ़ रहा है, और साइबर क्राइम कब होता है? जब आप लोगों को ऐसे मैसेज भेजे जाते हैं जिनको आपको जरूरत ही नहीं है। हरा ऑनलाइन जो हमारा ट्रांजेक्शन होता है उसमें जो क्राइम होता है वो हमारा साइबर क्राइम में आता है, लिखा है ना। तो बच्चों इसका उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो लिखा है अनअधिकृत पहुंच और डेटा का उल्लंघन को रोकना, बिल्कुल एकदम सही, यही एकदम सही है। नए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाना, नहीं, साइबर क्राइम में ये आता ही नहीं है। कंप्यूटर को भौतिक क्षति से बचाना, नहीं, है ना। इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाना, नहीं। जितने भी अनऑथराइज मैसेज होते हैं उनको रोकना, ये हमारा साइबर क्राइम में जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट आइए 20वां, बताइए उत्तर। भाई मेरे 20वें नंबर सवाल में मैं आपको बता दूं एक बहुत प्यारा सवाल है। यह सवाल इसलिए प्यारा है क्योंकि इसमें ना एक अलग तरह का डेटा दिया गया है। देखो इसमें डेटा दिया गया है कि टाइम पीरियड, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकेंड है, टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकेंड है, रेंज हमारी दी गई है 500 मीटर, और मैक्सिमम हाइट एच आपसे पूछ रहा है। देखो ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अभी ना, देखो होता क्या था, पहले ऐसे सवाल जब आते थे ना तो पहले यू दिया जाता था, थीटा दिया जाता था और आपसे ये सब पूछा जाता, ऐसे बार टी दिया है, आर दिया, एच पूछ रहा है। हरा तो बच्चों इस सवाल को लगाना कैसे, मैं आपको बताता हूं। पहले तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट टी बराबर याद करो, फॉर्मूला क्या होता है, 2u sin थीटा / g होता है,
और एच निकालने के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई टू जी। ठीक है, बस इसी से काम हो जाएगा आपका। कैसे सर? टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकेंड, यहां 10 रख दो तो u साइन थीटा और g की वैल्यू 10। तो यहां से पहले आप u साइन थीटा का मान निकाल दे। देखिए सर, u साइन थीटा 10 गुणे 10 बटे 2 50। बताइए u साइन थीटा सबको 50 पता चल गया। अब u साइन थीटा का मान उठा के यहां रखिए तो u साइन थीटा का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर 50 गुणे 50 और मेरे भाई नीचे 2g, g की वैल्यू 10 देख लो। तो अगर आप यहां गौर से देखिए तो यहां पर 80 से 80 कैंसिल आउट हो जाएगा, 250 बटे 2, और 250 बटे 2 बताइए कितना हो जाएगा, 125 मीटर। 250 बटे 2 125 मीटर, ये सवाल का सही आंसर होगा। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा 3 नंबर में? नहीं नहीं, फॉर्मूला नहीं, सिर्फ दिमाग लगाना भैया। यानी टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोडेटर यू साइन थीटा निकाला और यू साइन थीटा की मदद से हमने एच का मान निकाल दिया। अब आप चाहो तो एक छोटा सा रिलेशन याद कर लो। क्या रिलेशन याद करना, उसको भी सुनिए। जो एच बराबर होता है हाइट, मैक्सिमम हाइट एच, वो हमेशा ध्यान रखना 12.5 गुना होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का। बस इतना याद कर लो कि मैक्सिमम हाइट जो होती है वो हमेशा 12.5 गुना होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का। ओके, तो यहां पर क्या था सर, यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकेंड दिया हुआ था और जैसे ही तुम यहां 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 125 मीटर। तो कई बार कुछ लोग ये रिजल्ट डायरेक्ट याद कर लेते हैं जिससे कि सवाल और आसान हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आइए। अरे 21 नंबर सवाल हरा। ठीक है, बताइए अगला सवाल बच्चों, 21 नंबर सवाल, बहुत प्यारा सवाल, इसको ध्यान से देखिएगा। सर आपका बीएससीटी का फीस बहुत ज्यादा है बच्चा, 8846 जो तुम्हें फीस दिखाई दे रहा है ना विकास यादव, उसमें ना एक छोटा सा कूपन कोड लगा देना और वो कूपन कोड होगा योगी 10। जैसे ही आप ये कोड लगाओगे ना, कैपिटल में लिखिएगा और आगे अप्लाई का बटन क्लिक कर देना, तो योगी 10 कूपन कोड लगाएंगे कैपिटल में, तो जैसे ही कोड लगाएंगे योगी 10 तो वो डिस्काउंट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो आगे आइए। किसी आयता का डुप्लीकेटा 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर इसके क्षेत्रफल में वृद्धि इतनी है, तो बताइए आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितनी है। है ना बच्चों, देखो क्षेत्रफल में वृद्धि दे दी और आयतन में पूछ रहा है, सीधा सीधा ये बात समझो कि क्षेत्रफल में यानी परसेंटेज ऑफ ए दे दिया, या फिर आप ये बताओ अल्फा बीटा गामा के नाम सुने हैं आपने। बीटा क्या होता था? बीटा होता था क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल रेखी, क्षेत्रफल गुणांक। तो बच्चों बीटा का मान इन्होंने दे दिया 0.2%। हरा, और आयतन में प्रसर वृद्धि पूछ रहा है यानी गामा की वैल्यू पूछ रहा है, आप ऐसा मानिए। कैसे लगेगा? लग जाएगा सर, बहुत आसान है। देखिए याद करो, अल्फा बीटा गामा का अनुपात मैंने कई बार बताया है, अल्फा बीटा गामा का अनुपात 1:3 होता है। ओके, यानी बीटा और गामा का रेशियो 2:3 होता है। ठीक है, बीटा की वैल्यू रख दीजिए, तो जैसे ही आप बीटा की वैल्यू रखेंगे, सर बीटा की वैल्यू कितनी रखनी है, तो बीटा की वैल्यू रखनी है 0.2। हरा, और गामा की वैल्यू आपको निकालनी है। मेरे भाई सॉल्व करके देख लीजिए जल्दी से, तो गामा की वैल्यू जो आ जाएगी वो 0.3% आ जाएगी। देख लो, गामा की वैल्यू जो आ जाएगी वो हमारा 0.3% हो जाएगी। ये सवाल को सबसे आसान तरीके से लगाया जा सकता है। हरा, हाँ बिल्कुल अमित, बताइए आप फटाफट। तो अल्फा बीटा गामा के रेशियो से सवाल फटाक से लग जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। नेक्स्ट आइए 22 नंबर सवाल, पढ़िए। हाँ बिल्कुल बाबूलाल, एकदम सही है सदीम। अच्छा आप सब लोग मुझे थोड़ा एक बार कमेंट करके बता दो, सब लोग, आप सब लोगों को साइंस की क्लास की टाइमिंग पता है नहीं पता? है ना, नहीं पता तो सुन लीजिए, साइंस की क्लास की टाइमिंग डेली रात 9 बजे। तो डेली रात 9 बजे हम लोग जितने भी रेलवे एग्जाम होते हैं, खास तौर से एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी, उनके लिए डेली रात 9 बजे साइंस की क्लास भी चलती है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलो अगला वाला सवाल बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु और वातावरण के माध्यम के तापांतर के समानुपाती होती है, तो आप मुझे बताइए जल्दी से इनमें से वो कौन सा नियम है। मैं सारे नियम एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो न्यूटन का शीतलन नियम यह कहता है कि किसी वस्तु के ठंडे होने की दर
वस्तु और वातावरण के तापांतर के समानुपाती होती, ये न्यूटन का शीतलन नियम है। स्टीफेन, बच्चों स्टीफेन का नियम कहता है उत्सर्जन क्षमता टेम्परेचर की 4 पावर के समानुपाती होती है, उत्सर्जन क्षमता टेम्परेचर की 4 पावर के समानुपाती होती है। इसी तरह से किरचॉफ का नियम भी होता है, वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु और वातावरण के तापांतर के समानुपाती होती है, तो इसका जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, है ना। बोलिए बात सबको क्लियर है ना, जल्दी बताइए बात सबको क्लियर है। चलो आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट आइए, अगला सवाल बताइए। सर जी पीडीएफ को 1 घंटे पहले दे दिया करिए। अमित 1 घंटे पहले नहीं दी जा सकती भाई, एक्चुअली में इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि लास्ट समय में ही सारे क्वेश्चन सब कुछ रेडी होता है, है ना। चलो अगला सवाल बताइए, अगला सवाल का आंसर क्या जाएगा। किसी क्षैतिज नली में कैरोसिन तेल का प्रवाह 5 मीटर पर सेकेंड है, है ना। मान लीजिए नली है और उसमें जो कैरोसिन भर रहा है उस कैरोसिन का वेट इन्होंने दे दिया 5 मीटर पर सेकेंड, तो बताया जा रहा है बताइए वेट शीर्ष क्या है। ये तुम्हारा क्वेश्चन है फ्लूड स्टेटिक्स का, यानी मास वेट एंड डेंसिटी का। हमेशा ध्यान रखना एक शीर्ष होता है बहते हुए द्रव का जिसको बोलते हैं वेलोसिटी हेड या फिर वेट शीर्ष, है ना। वेलोसिटी हेड, आपको पता है वेलोसिटी हेड का फॉर्मूला क्या होता है। सर वेलोसिटी हेड का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। चलो वी की वैल्यू 5 का स्क्वायर 2, जी की वैल्यू 10, तो आप मेरे भाई यहां पर 25 नीचे 20 देख लो, ऊपर 25 नीचे 20, तो 25/20 बताइए कितना होता है। सर 25/20 को सॉल्व करके देख लीजिए 1.25 मीटर आ जाएगा। ये मेरे भाई इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। वेट शीर्ष बहते हुए द्रव का वेट शीर्ष है, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट आइए, अगला सवाल बताओ फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 ध्यान से देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 24 को बताइए क्या बात है। वेरी गुड राहुल, 299 टीजे, क्या 299 करना है भाई, है बताइए। किसी बिंदु पर फारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना है, ध्यान सुनिए। सर इन्होंने बोला है कि किसी बिंदु पर फारेनहाइट जो है वो सेंटीग्रेड का दुगना है, किसी बिंदु पर फारेनहाइट सेंटीग्रेड का दुगना है, तो वह बिंदु बताना है और आंसर आपको सेंटीग्रेड में बता रहा है, ठीक है। बोलो भाई बात सब क्लियर है, बहुत जल्दी स्टार्ट होगा राबिन माजे वेल्डर की थ्योरी, है ना। थोड़ा टेक्नीशियन की भर्ती आ जाने दीजिए क्योंकि एएलपी में टेक्नीशियन अभी एलिजिबल नहीं है। कैसे लगेगा सर, फॉर्मूला होता है सी डिवाइड बाई 5 इक्वल टू एफ माइनस 32 डिवाइड बाई 9 होता है। चलो अब आप सी टू वैसे ही रहने दो, एफ की जगह 2c कर दीजिए, यानी 2c माइनस 32, और जैसा सवाल में बोला जा रहा था सेम वैसा काम कर लो, कर लिया। अब आप बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे, 9 इधर 5 इधर, तो यहां 9c बराबर 10c माइनस 160 देख लो, c इधर जाएगा ये इधर आएगा, तो बच्चों मेरे c बराबर जो आ जाएगा वो 160 डिग्री आ जाएगा। ये इस c का सही आंसर है, c उधर 160 इधर। तो आंसर किसके साथ जाएगा सर, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला उत्तर 160। देखो छोटे जा रहा था ऑप्शन नंबर ए, छोटे कहां से ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, एक सवाल को देख के लगाना सीखिए, ऐसा थोड़ी ना है कि कुछ भी आंसर दे रहे हो, क्या बात है। देखने वालों की संख्या 300 है लेकिन लाइट अभी टेबल 250 पड़े, देखो भाई बहुत गलत बात है यार, थोड़ा एक बार सेशन को लाइक भी कर दिया करो, जल्दी से एक बार सेशन को शेयर भी कर दीजिए। ये देखिए कितना बढ़िया सवाल है, उत्प्लवन बल का मान किस स्थिति में अधिकतम होगा, इन्होंने बोला है उत्प्लवन बल का मान किस स्थिति में अधिकतम होगा। ये लीजिए, अगर मैं आपको यहां पर 3 डायग्राम बना के दिखाऊं, पहला डायग्राम ये है, दूसरा डायग्राम ये है और तीसरा डायग्राम ये, आप मुझे बताओ इनमें से वो कौन सी स्थिति है जिसमें उत्प्लवन बल का मान सबसे अधिकतम होगा, बताइए। पहली स्थिति ये, दूसरी स्थिति ये, तीसरी स्थिति ये, आप मुझे बताओ इनमें से वो कौन सी स्थिति होगी जिसमें उत्प्लवन बल का मान सबसे अधिकतम होगा। तो कहना जिसमें वस्तु ज्यादा डूबी है, क्योंकि उत्प्लवन बल का मतलब होता है हटाए गए द्रव का भार। बच्चों हटाए गए द्रव का भार ही उत्प्लवन बल है, तो जिस कंडीशन में वस्तु ज्यादा डूबी होती है सर उसी कंडीशन में उत्प्लवन बल का मान भी ज्यादा होता है। चलो तो पहला देखिए आंसर है 1/4 डूबोने पर, आधा डूबोने पर, वस्तु पूर्णता डूबने पर, आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी जाएगा।
जब वस्तु पूर्णतः डूबी होगी तो हटाए गए द्रव का भार उस समय ज्यादा होगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए, ये लो 26 नंबर क्वेश्चन है ना। दूषित मिश्रा है ना, नाम तो कैसा है यार, दूषित मिश्रा। एप्लीकेशन पे बैच आ चुका है, जितने भी बच्चे एएलपी टेक्नीशियन का कंप्लीट बैच ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो सब माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, और माई पाठशाला एप्लीकेशन पे एएलपी टेक्नीशियन का कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती है तो ये जो सामने नंबर लिखा है इस नंबर पे फोन कर सकते हैं। चलो बताइए अगला सवाल। बच्चों बोला जा रहा है चित्र में दो बर्तन पी और क्यू है जिसके आधार का क्षेत्रफल ए है, प्रत्येक बर्तन में समान तल से समान ऊंचाई तक द्रव भरा है, एक बर्तन इस तरह से दूसरा बर्तन ऐसे, तो बताइए अगर इस बिंदु पर प्रेशर कितना है पीएच और इस बिंदु पर प्रेशर कितना है पीवाई, समझो बात को, तो पीएच और पीवाई पे क्या फर्क आएगा, कौन ज्यादा कौन छोटा है ना। तो मेरे भाई हमेशा इस बात को याद रखना, अगर दो बर्तन हैं और दोनों बर्तन में समान ऊंचाई में पानी भरा है चाहे वो थोड़ा हिस्सा हो या ज्यादा, आप देखो यहां पर बर्तन में पानी की ऊंचाई देखिए, हालांकि यहां ये ऊंचाई नहीं माना जाएगा, यहां पर ये पानी यहां से ऊंचाई माना जाएगा क्योंकि यहां से बंद है ये, ओके। तो हमेशा जो ऊंचाई देखी जाती है वो फ्री सरफेस की देखी जाती है, तो यहां खुला है यहां खुला है, तो फ्री सरफेस ऊंचाई कहां है, तो फ्री सरफेस ऊंचाई तो ये है ना, आप मेरी बात समझो। तो बच्चों जहां पर फ्री सरफेस वाली ऊंचाई देखी जाती है तो फ्री सरफेस की यहां, फ्री सरफेस की यहां, ओके। तो दोनों ऊंचाई सेम है और दोनों ऊंचाई सेम है, यही रीजन है कि ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। बहुत सारे लोग इस सवाल का आंसर हो सकता है ऐसे देख रहा हूं कि सर यहां पर ऊंचाई इतनी और यहां पर ऊंचाई इतनी, और गलत, क्यों गलत, क्योंकि ये ऊंचाई जो आपने मानी गलत मानी। हमेशा ध्यान रखना है जो स्मॉल एच माना जाता है वो फ्री सरफेस का माना जाता है, जहां पे पानी खुला हुआ है, अब मेरी बात समझो, जहां पर पानी खुला हुआ है, जैसे कि मैं आपके सामने ऐसा एक बर्तन बना के दिखाता है और मैं आपसे कह देता कि इसमें पानी भरा हुआ है, ऐसे ऐसे पानी भरा हुआ है, और मैं आपसे कहता कि यहां पर एक बिंदु है और ये बिंदु जो है सर ये बिंदु है ए, ये ऊंचाई में कह देता कि 2 मीटर है और ये ऊंचाई में कह देता 3 मीटर है, तो बताइए बिंदु ए पर प्रेशर कितना, तो कहना प्रेशर का फॉर्मूला रो जी एच लगाओगे, ले एच कौन वाला रखोगे, ये एच क्या 2 मीटर वाला रखोगे क्या, नहीं सर एच 2 मीटर वाला नहीं रखा जाएगा, एच हमेशा जो होता है वो फ्री सरफेस की ऊंचाई होती है, और मेरे भाई फ्री सरफेस की जो ऊंचाई होगी यहां पर पानी खुला हुआ है सर, एच का मान 3 मीटर वाला, यानी यहां एच की वैल्यू कितनी रखी जाएगी 3 मीटर है ना। तो एक कॉन्सेप्ट है ध्यान रखना, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना वाला है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए अगला सवाल बताइए 27 नंबर, क्या बात है, बहुत बढ़िया सवाल, बताइए आंसर है ना। बच्चों प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया जब होता है ना, तो वहां पर हमेशा इस बात को याद रखना प्रेशर नहीं बदलता, एरिया के बदलने से फोर्स बदलता है सूरज, ठीक है। चलिए यदि लोहे की सुई पानी में डुबोते हैं तो वह तैरने लगती, बिल्कुल एकदम सही, आपको पता है कि लोहे की एक छोटी सी सुई पानी में डूबने पर तैरती है, और मैं आपको बता दूं उसके तैरने का रीजन क्या होता है, तो कहना लोहे की सुई पानी में जब तैरती है तो उसके तैरने का रीजन होता है पृष्ठ तनाव, परंतु यदि उस पानी में डिटर्जेंट मिला दे तब बताइए क्या होगा। तो हमेशा इस बात को याद रखना, अगर आपने उस पानी में डिटर्जेंट मिलाया है जो कि एक तरह की बताइए क्या है, अशुद्धि, ओके। लेकिन कौन वाली अशुद्धि है, यह है अघुलनशील अशुद्धि, डिटर्जेंट मिलाने से अशुद्धि मिलाने से ध्यान रखना पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, अब पृष्ठ तनाव कम हो जाए तो बताइए हमारी जो सुई है वो क्या हो जाएगी, तो शायद देना सुई हमारी डूब जाएगी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए के साथ। बोलो दोस्त बात सबको क्लियर है, ले अगर यही पर आप नमक मिलाते, क्या मिलाते नमक, तो याद रखना नमक मिलाने से पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, और जैसी तहां पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है तो सुई जो तैर रही थी वो अभी भी तैरती रहती है ना, तब वहां डूब जाने वाला आंसर नहीं सही होता, ओके okay, तो किसको मिलाने से क्या बढ़ता है ये सीख लीजिए। नेक्स्ट आइए 28 नंबर क्वेश्चन, क्या बात है, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ध्यान से सुनिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का टाइट उत्तर किसके साथ जाएगा, थोड़ा एक बार सेशन और शेयर करो भाई फटाफट। यस वेरी गुड कमलेश राजेश,
क्या बात है। अगला सवाल देखो लिखा है, यदि पानी को 20 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जा रहा है, मतलब इन्होंने ये बोला है कि अगर हम लोग पानी को 20 से बताइए कहां तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करते हैं, तो बताइए मेरे दोस्त पानी के आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत बेहतरीन सवाल, और ऐसा सवाल हर बार जो है आपको धोखा दे सकता है। सुनिए, पहले आप ये देखो कि पानी को हमने ठंडा कहां से कहां तक करना है, 20 से 2 तक। ओके, फिर आप ये देखो कि 20 से जब 2 तक ठंडा करोगे तो बीच में 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा कि नहीं होगा, तो कहना 20 से 10 6 5 4, हाँ सर 4 तो होगा, 4 तो सर होगा। और आपको यह बात पता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आयतन कैसा होता है, तो कहना 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आयतन मिनिमम होता है। पहले आप मुझे सब लोग कमेंट करके बताओ यहां तक बात सब लोग क्लियर हुई नहीं क्लियर हुई। 20 से 2 तक ठंडा करेंगे तो बीच में 4 मिलेगा, और आपको पता है कि 4 पे आयतन मिनिमम होता है, यानी 4 पे हमें हर हाल में आयतन मिनिमम लाना है। आयतन कैसे मिनिमम होगा, पहले आयतन घटाना होगा 4 पे मिनिमम, फिर आयतन बढ़ाना होगा। पहले आयतन घटाना होगा फिर आयतन बढ़ाना होगा, तभी कहीं जाके 4 पे बताइए आयतन कैसा होगा। सर तभी कहीं जाके 4 पे आयतन मिनिमम होगा, तो पहले आयतन घटेगा बाद में आयतन बढ़ेगा। यह सवाल का सही आंसर होगा, बहुत प्यारा सवाल था, आप देख लो कैसे मैंने इसको अटेम्प्ट किया। सब लोग आंसर डी दे रहे थे, डी थोड़ी ना है, कुछ भी पढ़ते हो, एक बार कॉन्सेप्ट सीख लो, बार बार सी डी बार बार सी डी करते रहते हो, बताइए। अरे बोलो, समझ में आया नहीं आया, ध्यान ये रखना 4 डिग्री सेंटीग्रेड वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, और तरीका है ये, रटना नहीं है, पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, कुछ भी याद कर लो। चलो आगे बताइए बच्चों, अगला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। एक ग्रह एक्स पर, मतलब ग्रह का ना इन्होंने नाम नहीं लिखा, पृथ्वी भी हो सकता है, चंद्रमा भी हो सकता है, मंडल भी हो सकता है। एक ग्रह एक्स पर एक आदमी 500 ग्राम द्रव्यमान के पिंड को 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से फेंकता है, और इसके वापस नीचे आने पर 20 सेकेंड बाद पिंड को लपट लेता है। फेंका है 20 मीटर पर सेकेंड से, लपटा है 20 सेकेंड पर, तो पिंड का भार बताइए, पिंड का भार बताइए। तो मेरे भाई एक बात मुझे बताओ, अगर पिंड के भार की बात करते हैं तो पिंड का भार एम इंटू जी होता है, हरा द्रव्यमान 500 ग्राम है, 500 ग्राम को किलोग्राम बना लो 1/2 इंटू जी। लेकिन क्या ये बताओ इन्होंने कहीं ऐसा लिखा है कि पृथ्वी है, अगर पृथ्वी होता तो जी की वैल्यू हम तुरंत कितनी रख देते, 10, और जैसे जी की वैल्यू 10 रख देते हमें आंसर आ जाता। लगे मेरे दोस्त कहीं पर भी जी की वैल्यू नहीं रख सकते 10, क्योंकि इन्होंने पृथ्वी बोला ही नहीं है, है ना। तो आप मुझे क्या करेंगे बच्चों, सीधा सीधा हिसाब किताब यह है कि जब किसी पिंड को यू वेलोसिटी से ऊपर फेंटा जाता है तो ऊपर जाना और नीचे आना, यानी जो टोटल समय लगता है इसको ऊपर जाना और नीचे आने का टोटल जो समय होता है वो 2u/g होता है। अरे बोलो दोस्त, ये बात सबको पता ही नहीं पता, सिर्फ ऊपर जाने का होता तो u/g, टोटल समय इन्होंने 20 सेकेंड दे रखा है, वेलोसिटी भी इन्होंने दे रखी है 20, और मेरे भाई यहां पर जी टी वैल्यू आपको पहले निकालनी होगी, सबसे पहले आपको जी का मान निकालना होगा, है ना। तो जैसे ही आप यहां से जी टी वैल्यू निकालोगे तो मेरे भाई जी टी वैल्यू यहां से 2 आ जाएगी, और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको यहां से पहले जी निकालना होगा, निकल आया जी, और जैसे ही जी निकल आया तो जी टी वैल्यू उठा के यहां पुट कर दीजिए, और जैसे ही जी टी वैल्यू 2 यहां पुट करेंगे मेरे भाई तो बताइए जरा भार की वैल्यू कितनी हो जाएगी। सर भार की वैल्यू 1 न्यूटन हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी वाला उत्तर होगा, समझे ना। बहुत प्यारा सवाल था, जल्दीबाजी में गलती नहीं करनी है, कुछ भी लगा लो। ये लीजिए 30 नंबर क्वेश्चन, फटाफट जल्दी पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो रहा। सर इसका पीडीएफ कहां मिलेगा? मेरे भाई इसका जो पीडीएफ हो रहा वो टेलीग्राम चैनल अभी आपको शेयर कर दिया जाएगा, आंसू शेयर कर दो टेलीग्राम चैनल सबको, हरा नीचे देखो। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को पता है पीडीएफ कहां मिलेगा, कोई अगर ऐसा बच्चा आता है जिसको नहीं पता पीडीएफ कहां मिलेगा तो आप उसको कमेंट कर रिप्लाई कर दिया करो, आप सब लोग आपस में रिप्लाई कर दिया करो, है भाईचारा थोड़ा बनाए रखो भैया। चलो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड में कंट्रोल प्लस एन का मतलब क्या है? मेरे भाई सिर्फ एमएस वर्ल्ड में ही नहीं, सिर्फ एमएस वर्ल्ड में ही नहीं, अगर आप एमएस पावर पॉइंट में की बात भी करते हो, पीपीटी की भी बात करते हो, तो हर एक में ध्यान रखना, जब हम लोग कंट्रोल प्लस एन करते हैं तो कंट्रोल प्लस एन का मतलब होता है नया विंडो खुल जाना, या यूं कहिए नया पेज खुल जाना, ठीक है। न्यू, न्यू से मतलब यहां पर, ठीक है।
सेव डॉक्यूमेंट्स, सेव डॉक्यूमेंट्स के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस एस होती है। कंट्रोल प्लस क्या होती है? एस, हरा। ओके, तो नया डॉक्यूमेंट्स खोलना, ध्यान रखना, इसके लिए हम लोग कंट्रोल प्लस एन इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल प्लस एन इस्तेमाल करने से नया पेज, नया डॉक्यूमेंट्स खुल जाता है। ऑप्शन नंबर सी, नेक्स्ट आइए, ये लो 31st नंबर, न्यूमेरिकल है लेकिन बहुत जल्दी लगाऊंगा भाई, भगवान की कसम बहुत जल्दी सिखा दूंगा कैसे लगाया जाता है। पहले आप देख लो ध्यान से, सवाल क्या है? ए और बी के बीच कुल प्रतिरोध बताना है। यह बिंदु ए है और यह बिंदु बी है। सर ए और बी के बीच नेट रेजिस्टेंस बताना है, है ना? बच्चों एक बात मुझे बताओ, अगर मैं इस नेट रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो आप साफ साफ देखिए, 10 10 10 बीच वाला 20 नीचे 20, आपको यह तो दिखाई दे रहा होगा 10 10 10 का सीरीज 30, 20 और 20 20 का सीरीज 40, हरा हो गया ना? तो मेरे भाई यहां का 30, यहां का 20, यहां का 40, 30 20 40 को समांतर में जोड़ना है। हमेशा याद रखना, जब भी कभी कई सारे रेजिस्टेंस समांतर में जोड़े होते, 30 20 40 को समांतर में जोड़ना है। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर यहां पर 30 है, यहां पर 20 है, यहां पर 40 है और मेरे दोस्त इन तीनों को समांतर में जोड़ना है, तो पहले आप क्या काम करो, इसका ना सर इसका एलसीएम ले लो। तो 30 20 40 का एलसीएम कितना होगा? 120। 120 सबसे पहले ऊपर लिख दीजिए, हरा। 30 चौको 120, 20 छठा 120, 40 तिया 120, ये लो। इससे आसान तरीका इस सवाल को सॉल्व करने का हो ही नहीं सकता, आप वो उल्टा उल्टा कराने वाला भूल जाइए, उल्टा उल्टा कराने वाला सब भूल जाइए, ठीक है? तो बच्चों इसका सही आंसर 120 बटे 13, हरा। अब आप ये बता दो 120 बटे 13 इनमें से क्या होगा? 100 30 15 ये सब कुछ नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए, चेक कर लीजिए जल्दी से, है ना? रोहित यादव कह रहे हैं 4 और 5 का पीडीएफ नहीं मिला, मैं एक बार देख लूंगा, अगर 4 और 5 का पीडीएफ नहीं मिला तो मैं डाल दूंगा, ठीक है? चलो अगले सवाल की ओर बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर देंगे सब लोग फटाफट, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, हरा। ये भी एक नन्ना सा न्यूमेरिकल है, यदि हीटर से 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, हीटर से 5 एम्पीयर की धारा, 6 मिनट में उत्पन्न ऊष्मा 5400 जूल है, तो बताइए हीटर का प्रतिरोध कितना है? कैसे लगेगा? सर हीटर का रेजिस्टेंस पूछ रहा, ऊष्मा देता, तो ऊष्मा का फॉर्मूला धारा और रेजिस्टेंस के पदों में आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी होता है। बोलिए ये बात सबको पता है, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी होता है। हीट की वैल्यू कितनी है? सर हीट की वैल्यू है 5400, धारा की वैल्यू 5 का स्क्वायर 25, रेजिस्टेंस मुझे निकालना है और समय की वैल्यू 6 मिनट। मेरे भाई 6 मिनट को 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करके हमें सेकंड बनाना होगा, फिर कही जाते यहां से आर सॉल्व करना होगा। क्या बात है, काफी तेज आंसर निकाल लो यार, तुम लोग है 5 आंसर आ गया क्या? ओके चलो, तो बच्चों एक बात मुझे बताइए, 10 से 10 पहले कैंसिल कीजिए, है ना? आपको पता है यहां 5400 है और बच्चों 6 के पहाड़े में 54 आता है। अब देखो आटा भाई 6 से कैंसिल करो, 6 नामा 6 6 ना 9 4 54 9 900, ठीक है? फिर 6 से एक बार कैंसिल कर दीजिए इसको, 15 छट्टा 90 और फिर यहां पर जो 25 आया है सर इसको भी कैंसिल कर दीजिए, 25 छट्टा 150, तो 101% आर की वैल्यू बताइए कितना होने वाला है? सर आर की वैल्यू 6 ओम होने वाली है। ये सवाल का सही उत्तर है, बस कैलकुलेशन में फेर है भैया, आप कितना बढ़िया कैलकुलेशन कर पाते हो उसके अनुसार कोई भी न्यूमेरिकल होगा वो बहुत इजीली जो है हमसे सॉल्व हो जाएगा, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं लीजिएगा। चलो आगे आइए, नेक्स्ट 33 नंबर सवाल, ये अच्छा सवाल है, विश्वास मानिए बढ़िया सवाल है, पढ़िए भाई जल्दी से और बताइए सवाल का सही आंसर क्या है। थोड़ा एक बार सेशन को लाइक भी करते रहिए, जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया फटाफट जल्दी से एक बार शेयर भी कर दो, क्या बात है, वेरी गुड। बच्चों मैं आपको बता दूं, हम लोग कोशिश करेंगे कि 8 शाम के 7 बजे वाली क्लास जो कि बेसिक साइंस की होती है, दूसरी रात के 9 बजे वाली क्लास साइंस वाली क्लास होती है, उसको डेली कंटिन्यू करें, ठीक है? चलो बताइए अगला सवाल क्या है। एक गेंद अपनी वास्तविक ऊंचाई के 80% तक उछलती है, मतलब पता है क्या है? सर अगर वास्तविक ऊंचाई 100 मीटर है तो 80% तक उछलेगी जब टकराएगी, यानी सिर्फ 80 मीटर तक उछलेगी, तो प्रत्येक उछाल में स्थितिज ऊर्जा का कितना अंश नष्ट हो जाएगा? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल।
100 मीटर से गिराया जा रहा है सिर्फ 80 मीटर तक उछल रहा है, कितना परसेंट नष्ट हो जाएगा? तो भैया नष्ट तो ये 20% हो रहा ना, बोलो 20% ऊर्जा का लॉस हो रहा। ठीक है, तो 20% ऊर्जा का लॉस हो रहा, तो 20% को हम क्या बोल सकते हैं? 0.2 बोल सकते हैं। 20% बच्चों बोला जा सकता है 0.2। चलो अरे हेलो नेक्स्ट आइए 34 नंबर, ये भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट पे सवाल है, देखते भाई कितने लोग इसका आंसर देते। रूजी मैं आपका पेड स्टूडेंट हूं, मैं आपका कोर्स लिया हूं, कहां से पढ़ना शुरू करें? मुकेश शर्मा ना मैंने एक वीडियो किया था कि 6 महीने में पूरा एएलपी कैसे पढ़े, है ना, तो आप वो वीडियो तो एक बार देख लो, यूट्यूब पे सर्च कर लो, मेरे ही वीडियो नजर आएगा, उसको पूरा देख लो, उसके बाद आपको सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, है ना। रिया तिवारी मैं आपके सामने देखो हर बार ये नंबर लेके आता हूं, बहुत सारे बच्चों का मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर सकता हूं, इसलिए जो है ये नंबर सामने है। मैं आपको अभी बेसिक साइंस की बुक भी दिखा देता हूं, आप वो बुक भी ले लो, है ना, बेसिक साइंस की बुक दे दो, लिंक पे डाल दो, गो बुक कहीं से उठा दे, बेसिक साइंस की बुक। सवाल ले लीजिए, एक पिंड को पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई तक उठाया जाता है, जैसे कि मान लीजिए ये पिंड है और इस पिंड को मैंने कितना ऊंचाई तक उठाया, एच ऊंचाई तक, तो लागू बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच कार का चिन्ह क्या हो रहा? तो बच्चों जब इसको उठाना होगा तो बल आप ऊपर की ओर लगाओगे हैं, और गुरुत्वाकर्षण बल एमजी कहां की ओर होता है? नीचे। लेकिन वस्तु जा कहां रही है? तो कहना वस्तु तो जा रही है ऊपर, कितना ऊपर जा रही है सर? एच ऊंचाई ऊपर जा रही है, तो आपने बल को लगाकर वस्तु को एच ऊंचाई ऊपर कर दिया, लेकिन एमजी तो नीचे लगा है, तो बताइए सबसे पहले बल द्वारा और गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा, चिन्ह बताइए। तो चलो बताया जाए, बताया जाए, तो बच्चों बल ऊपर की ओर है और विस्थापन भी ऊपर की ओर है, इसलिए बल द्वारा किया जाए कार पॉजिटिव, समझो ना बात को, और एमजी नीचे की ओर है जबकि विस्थापन ऊपर की ओर है, एमजी नीचे की ओर विस्थापन ऊपर की ओर, डायरेक्शन अपोजिट है, तो एमजी द्वारा किया जाए कार निगेटिव, सीटेड नहीं सीटे, है ना। तो पहले बल द्वारा बोला जा रहा है, सर बल द्वारा किया जाए कार पॉजिटिव हो रहा, विस्थापन द्वारा किया जाए कार निगेटिव, ऑप्शन नंबर बी। मेरे भाई इसी तरह के बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो है ना मैंने अपनी इस किताब में डाल रखे, 338 पन्नों की बेसिक साइंस की बुक है, आप इसको ले सकते हैं, है ना। बुक को ऑर्डर करने के लिए नीचे आपके सामने एक लिंक आया होगा, आप इस लिंक पे क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो बेसिक साइंस की बुक बहुत ही बेहतरीन बुक होगी, क्योंकि इसमें मैंने थ्योरी, प्रीवियस ईयर पेपर, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, मतलब जितने भी बढ़िया बढ़िया लेवल के सवाल हो सकते हैं वो सारे के सवाल इसमें डाल रखे, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, है ना। रोहित यादव मैं टीम को बोल दूंगा, वो भी भेज देने। बच्चों अल्लाह बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, है ना। पहला देखिए, ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है, हमेशा इस बात को याद रखना, जो हमारा सॉलिड आइस है ठोस CO2, है ना बच्चों, याद रखना जो हमारा ठोस CO2 है, सॉलिड आइस, सॉलिड CO2, सर सॉलिड CO2 को ध्यान रखना हम लोग ड्राई आइस भी कहते हैं, पता है ना, ये सही है। अगला देखिए, ठोस CO2 को सीधे तरल के रूप में बदला जा सकता है, गलत बच्चों, ध्यान रखना है ड्राई आइस ये ऊर्ध्वपातन दिखाता है, और ड्राई आइस ऊर्ध्वपातन दिखाता है जिसकी वजह से इसको डायरेक्ट किस फॉर्म में बदला जा सकता है, डैश, हरा ऊर्ध्वपातन दिखाता है ना। तो मेरे भाई ये सही है, ये सही है, ये गलत है। तो बच्चों ए और सी हमारा सही है जबकि बी हमारा क्या है, गलत है। ए और सी सही है, बी हमारा गलत है। चलो आगे नेक्स्ट है 36 नंबर, बताइए सर आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का बुक में डिफरेंस क्या है? बच्चा डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, डिफरेंस बस इतना सा है, जब आप बेसिक साइंस का बैच लेते हो तो आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलती है पूरा पढ़ने के लिए, बेसिक साइंस की जब आप बुक लेते हो तो इस बुक के साथ आपको कोर्स मिलता है बस 3 मंथ की वैलिडिटी के लिए, ₹350 में, सिर्फ इतना डिफरेंस है, बैच और कोर्स दोनों आपको किताब के साथ मिलते हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई बताइए क्या है? हरा मेरे भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब ई, और याद रखना ई का फॉर्मूला होता है F बटे Q, और याद रखना जब इसकी यूनिट पूछी जाती है तो याद रखना इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम। अब न्यूटन पर कूलाम देख लो कोई इनमें से है, देख लीजिए। तो मेरे दोस्त इस सवाल का जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन पर कूलाम, है ना, बाकी इनमें से और कोई भी उत्तर मैच नहीं कर रहा, चेक कर लो जल्दी से। फैराडे प्रति कूलाम होगा? नहीं सर, हरा फैराडे प्रति कूलाम क्या कुछ बन सकता है? C = Q/V, हरा हाँ ये बन सकता है,
ये बन सकता है, C ऊपर Q नीचे, ये 1/V बन सकता है, लेकिन 1/V थोड़ी ना है। तो न्यूटन पर कूलाम, और बच्चों न्यूटन पर कूलाम का एक दूसरा मात्रक जरूर हो सकता है, ध्यान रखना, न्यूटन प्रति कूलाम को कई बार हम लोग वोल्ट प्रति मीटर भी कह सकते हैं, यह भी एक मात्रक होता है विद्युत क्षेत्र का। नेक्स्ट आइए 37 नंबर पढ़िए। बताओ 37 नंबर का आंसर फटाफट जल्दी बताइए, इस सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाएगा, है ना बच्चों? बोला जा रहा है कि एक चार्ज की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना बच्चों, चार्ज की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सुनिए ध्यान से सर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर एक फॉर्मूला होता है 1/4πε0, और आगे बताइए क्या होता है, Q/R2, सुना है ना, यह फॉर्मूला ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है। तो बच्चों आर स्क्वायर के साथ व्युत्क्रमानुपाती है, इसीलिए दूरी के साथ बढ़ता है गलत, अगला देखिए क्या लिखा है, दूरी के घन के साथ घटता है गलत, दूरी के साथ घटता है गलत, दूरी के वर्ग के साथ घटता है, स्क्वायर भी तो है ना, देखिए ना स्क्वायर भी है, तो ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा, डी वाला उत्तर होगा। तो फॉर्मूले एकदम क्लियर कट आपको याद होने चाहिए। चलो भैया 38 नंबर सवाल देखिए, अजय मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ पा रहा, कमेंट थोड़ा फास्ट चल रहा है, हरा मैं आपको जो है ना टीम का नंबर ले लो बच्चों, और इसको उनको फोन कर लेना, तो वो ऑटोमेटिक मेरे पास आपका फोन ट्रांसफर कर देंगे। दिए गए विद्युत प्रपथ में 10 ओम और 5 ओम के दो प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं, पहले प्रतिरोध और दूसरे प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा बताइए, है ना। पहले आप मुझे ये बताओ जब रेजिस्टेंस कैसे जुड़े होते हैं समांतर में, तो समांतर में आपको पता है कि वोल्टेज कैसा हो जाता है, कहना समांतर में वोल्टेज सर कॉन्स्टेंट हो जाता है, बोलो हो जाता है। अब आपको पता है कि हीट या ऊष्मा h बराबर होता है V²/R(T), है ना सर, यही वाला फॉर्मूला क्यों लगाया बच्चों? मैंने यही वाला फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि रेजिस्टेंस मुझे दिया है और वोल्टेज सर वोल्टेज कॉन्स्टेंट है, तो वोल्टेज कॉन्स्टेंट है तो देखो हीट जो होगी सर वो रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती, है ना। चलो तो हीट का अनुपात क्या हो जाएगा, तो हीट का अनुपात हो जाएगा सर रेजिस्टेंस है 10/5, तो 10/5 का अनुपात 2:1, तो हीट का अनुपात उल्टा 1:2। आप बताओ यहां से प्रतिरोध का अनुपात क्या क्या हो रहा है, 10/5 सर, 10/5 मतलब 2:1, तो हीट उल्टा 1:2। तो आप लोग कायदे से लगाइए, जरा सी भी गलती जो है ना आपके सवाल को उलट कर सकती है, है ना। नेक्स्ट आइए ये लो 39 नंबर सवाल पढ़िए, जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 39 का टेट उत्तर किसके साथ जाना चाहिए, क्या बात है बताइए, थोड़ा एक बार सेशन को शेयर भी करते रहो फटाफट बच्चों। 39 नंबर सवाल क्या बोला जा रहा है, 39 नंबर यह है कि दिए गए ग्राफ VI में दिखाया गया यदि प्रतिरोध बिंदु ए बी सी के प्रतिरोध दिखाए गए, तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही है, है ना बच्चों? आप लोग को एक बात हमेशा मैं बता दूं, वोल्टेज आई और रेजिस्टेंस के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है उस ग्राफ की ये जो स्लोप होती है, स्लोप, ये स्लोप क्या बताती है, तो कह देना स्लोप बताती है रेजिस्टेंस आर, स्लोप बताती है रेजिस्टेंस आर, है ना। तो बच्चों आप मुझे बताओ बिंदु ए पर स्लोप, बिंदु बी पर स्लोप, बिंदु सी पर स्लोप, स्लोप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल के साथ बनाए गए एंगल का टेन थीटा, ठीक है ओके। तो कहां पर स्लोप ज्यादा है, तो कहना सबसे ज्यादा स्लोप बिंदु सी पर है, इसीलिए सी का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, उससे कम बी का, उससे कम ए का। अब मेरी बात समझो, चलो आंसर दीजिए, सभी पर प्रतिरोध समान गलत, सी पर प्रतिरोध बी के प्रतिरोध से कम गलत, है ना, बी पर प्रतिरोध ए के प्रतिरोध से कम गलत, बी पर प्रतिरोध ए के प्रतिरोध से ज्यादा, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही है, बी पर आने वाला रेजिस्टेंस ए से ज्यादा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आइए ये लो 40 नंबर सवाल, बढ़िया सवाल है सर, बीएससीडी का प्राइस क्या है, रिया तिवारी मैं फिर से बता दूं, यहां मुझसे प्राइस मत पूछा दीजिए, मुझे सही नहीं लगता बताने में, है ना। मैं आपको बता दूं, आप लोग क्या करो, माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, और वहां पर जब आप डाउनलोड करके जाओगे, मैं वैसे एक मिनट रुक जाइए, मैं बता ही देता हूं, है ना, मैं बता ही देता हूं। फिलहाल यह सवाल देख लेते हैं, लकड़ी का ठंड पानी में तैरता है और इसकी मात्रा का 4/5 भाग जलमग्न है, वाह भाई वाह,
चार बटे पांच बाहर हिस्सा अंदर है, जैसे कि लकड़ी है और लकड़ी का बताइए कितना हिस्सा अंदर है, तो कहा जा रहा है लकड़ी का सर चार बटे पांच हिस्सा अंदर है। तो पहले मैं तुम्हें बताओ चार बटे पांच हिस्से को क्या आप 0.8 कह सकते हो, 0.8 को चार बटे पांच को 80% कह सकते हो। और मैंने कल भी ये बात बताई थी, कि जब हमारे पास 80% अंदर हिस्सा होता है तो बताइए डेंसिटी कितनी होती है। सर डेंसिटी होती है 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बोले बात सबको क्लियर है ना, तो आंसर किसके साथ जाएगा? सर आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला उत्तर होगा सर 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। अब मैं आप लोगों को सारी की सारी बातें बता देता हूं, आज के हमारे 40 क्वेश्चन फिनिश हो रहे हैं, एक एक करके सुन लीजिए, जिनके काम की बात है वो भी सुनिए, जिनके काम की बात नहीं है वो भी सुनिए। और मैं अभी रात के 9 बजे वाली वीडियो की लिंक सेंड कर देता हूं, अभी ध्यान रखिएगा रात के 9 बजे साइंस की क्लास है, साइंस की क्लास की वो सेंड कर दो। तो बच्चों साइंस की क्लास है रात के 9 बजे, अभी आधे घंटे का वेट करके हम लोग साइंस की क्लास करेंगे, साइंस की क्लास सेंड कर दो, ठीक है। तो साइंस की क्लास का आप लिंक ले लो। अब मैं एक एक करके बता दूं, सबसे पहले आप देखो बेसिक साइंस इंडियन ड्रॉइंग की मैंने आपको बताया, ये चाहे एलपी हो चाहे टेक्नीशियन हो 50 क्वेश्चन बनाएगा पार्ट ए में। और मेरे भाई इसमें 50 में से पूरे 50 पट्टे करने के लिए मैंने ये किताब लॉन्च कर दिया है ना। ये किताब थोड़ी मोटी जरूर है, लेकिन ऐसी मोटी है जिसमें आप पूरे के पूरे कह सकते हो क्वेश्चन को फंसाया जा सकता है, ठीक है। दूसरी बात, इस बुक को ऑर्डर कैसे करना है, अभी नीचे लिंक आ जाएगा या फिर एक नंबर लिख लीजिए 6393125760, मेरे भाई आप इस नंबर पे फोन करके इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। चलो और आगे, इसके अलावा साइंस का कंप्लीट बैच, बच्चों साइंस के कंप्लीट बैच में ध्यान रखना पूरा फिजिक्स आता है, पूरा केमिस्ट्री आता है, पूरा बायोलॉजी। इसके अलावा ध्यान रखना इसमें एनसीईआरटी का प्रैक्टिस भी आता है, ये सब कुछ हमारे साइंस के कंप्लीट बैच में आता है। यह बैच का दाम है सिर्फ 399। जब मैं कहता हूं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसका सीधा सा अर्थ यह होता है कि इसमें थ्योरी प्लस चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्लस प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। कैसे बैच ज्वाइन करना वो भी मैं लास्ट में बता दूंगा। फाउंडेशन बैच, देखो फाउंडेशन बैच सबसे डिमांडेबल बैच है, एक्चुअली में ध्यान रखना ये वो बैच है जिसमें आपको पूरा का पूरा सीबीटी 1 एंड पूरा का पूरा सीबीटी 2, यानी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का कंप्लीट बैच, जिसमें ध्यान रखिएगा आपके सीबीटी 1 के सारे सब्जेक्ट मैथ रीजनिंग जीके साइंस, सीबीटी 2 के सारे सब्जेक्ट मैथ रीजनिंग हरा बेसिक साइंस, इसके अलावा ट्रेड, ये सब, उसके अलावा पार्ट ए का प्रैक्टिस बैच, पार्ट बी का प्रैक्टिस बैच, हर एक चीज आपको इसमें मिलती है। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको माई पार्सल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको 3000 का दाम दिखाई दे रहा, लेकिन इस 3000 के दाम को डिस्काउंट के साथ ज्वाइन करने के लिए छोटा सा कोड इस्तेमाल करना होगा UD10 YOGI10, जैसे आप लगाओगे आगे अप्लाई की बटन पे क्लिक करोगे अप्लाई पे, तो वैसे ही आप लोगों को 900 रुपए का दाम बन जाएगा, यानी ये कंप्लीट बैच 900 रुपए में, ठीक है। कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं 6393125760, मेरे भाई इस नंबर पर फोन करने के बाद भी आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सामने देखो लिंक भी आ रही होगा आपके सामने, ओके। अच्छा कुछ बच्चे जो फिजिक्स की बुक लेना चाह रहे हैं तो फिजिक्स की बुक भी है हमारे पास, अभी इंडिविजुअल फिजिक्स की बस है, ठीक है। इसके अलावा टाइमिंग जरूर नोट डाउन कर लीजिए, मैथ की क्लास की टाइमिंग डेली यूट्यूब पर, बीएससीडी की क्लास की टाइमिंग, रीजनिंग की और साइंस की, ये सारी की सारी टाइमिंग आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये टाइमिंग। और कुछ है, हाँ सांख्यिकी की क्लास अभी मैथ की अनुराग सर की आने वाली है, तो ये क्लास आप जरूर पूरी देख ले, क्योंकि एक ही क्लास में पूरा स्टेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टेटिक्स, ठीक है। अब आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कोई डाउट है तो मैं आपके डाउट का आंसर दे दूं, कोई भी दिक्कत हो कोई भी परेशानी हो, क्लियर है ना। मैं फिर से बता दूं, अगर मेरी बातों से अगर आप लोग नहीं मैं आपके जवाब दे पा रहा हूं तो टीम के आप नंबर जरूर नोट डाउन कर लिया करिए, ये टीम के नंबर है, आप लोग जो है इन पे फोन करके भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं एक बार फिर कह दूं, देखो फिर वही बात कहूंगा, इस बार जो है ना रेलवे पूरी तरह से साइक्लिक हो गया, इतना तो 101% श्योर हो गया कि रेलवे कम वैकेंसी जरूर निकाल रहा है, लेकिन अब ये टर्म वैकेंसी हर साल आएगी, हर साल का मतलब हर साल। अभी देखो एलपी टेक्नीशियन आ चुका, बहुत जल्दी आरआरबी जेई आ जाएगा, बहुत जल्दी ग्रुप डी और एनटीपीसी भी आ जाएगा। बच्चों आप लोग ध्यान से देख लो सिलेबस को कि किस सिलेबस में क्या आता है, जैसे कि साइंस लगभग सब जगह है,
तो साइंस आपको पढ़नी पड़ेगी और अभी से पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि साइंस का जो स्टैंडर्ड है वो रेलवे का बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी लेवल की अब साइंस आने लगी है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप एएलपी और टेक्नीशियन की स्पेशली तैयारी करते हैं तो बेसिक साइंस जरूर पढ़िए, क्योंकि बेसिक साइंस ना आपका मेरिट में नाम बनाएगी, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बताइए कि बेसिक साइंस की स्पेशल जो क्लास चल रही है वो सिर्फ पाठशाला रेलवे एग्जाम पे चल रही है और एक बेहतरीन क्लास चल रही है, क्लियर है। साथ साथ साइंस की क्लास अभी इसी चैनल पे ठीक 9 बजे साइंस की क्लास होगी, तो आप 9 बजे मेरे साथ जो है साइंस की क्लास को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि साइंस ना ध्यान रखना अब रेलवे का स्टैंडर्ड साइंस में काफी हाई हो चुका है। ओके, पीडीएफ रोहित मैंने बोल दिया है, जैसे ही मैं एक बार देख लूंगा अगर क्लास 4 क्लास 5 की पीडीएफ नहीं होगी तो वो भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। चलो फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, अभी क्लास है, ठीक है, चलो फिर।